ये कहे बाहुनर नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान तेरी मेजबान। हर जुबान ये कहे बाहुनर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान तेरी मेजबान। सर पे दस्तार में नक्की तुम बांध लो, जुल्म से खौफ से लड़के आगे बढ़ो। सीखना सीख लो। इकबाल की तुम ही ताबीर हो, कौमो मिल्लत की बस तुम ही तकदीर हो। अपने जज्बे नशों में बहाओ नहीं, अपनी कदरों को ऐसे गवाओ नहीं। हर हरी पे वतन से तुम ना डरो, सीखना सीख लो। तिरगी है मगर रोशनी आएगी, तेरी मेहनत नया एक रंग लाएगी। ओके मायूस बैठो ना तुम हार कर, मुंतजर है तुम्हारी सजीरा गुजर। रब कादिर पे बस भरोसा रखो, सीखना सीख लो। हर जुबान ये कहे बाहुनर नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान तेरी मेजबान। हर जुबान ये कहे बाहुनर नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान तेरी मेजबान। सर पे दस्तार में नक्की तुम बांध लो, जुल्म से खौफ से लड़के आगे बढ़ो। सीखना सीख लो। थकना नहीं जमे रहो, डरना नहीं डटे रहो, कामयाब हो जाओगे। हाँ देर सवेर अपनी जगह। जी अस्सलाम वालेकुम, चालू करें जी। ये लो जी चालू कर दिया, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे सर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड जो आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, दिल बड़ा हो गया यार। फ्रीलांसिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, दिल बड़ा कर दिया। और ये आज की क्लास और कल की क्लास, ये मास्टर क्लास लेने के बाद वीकेंड पे हम बैठेंगे गपशप मारेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी हुजूरे वाला ये है कि इस पूरे प्रोग्राम को मैंने नेक्स्ट वीक एक्सटेंड कर दिया। तो होगा क्या, यही सीक्वेंस दोबारा चलेगा। पीर को फ्रीलांसिंग, ट्यूसडे को डिजिटल, वेडनेसडे सोशल, थर्सडे को ब्लॉगिंग और जुम्मा यूट्यूब एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी और नॉलेज शेयर हो,
और दूसरा सॉफ्ट स्किल्स, नंबर वन क्रिएटिविटी, नंबर दो आर्ट ऑफ परसुएशन, तीन अडैप्टेबिलिटी, चार कोलैबोरेशन, पांचवा टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस। ये पांचों आपने सीख ली तो आप ऐसी लीडरशिप के जुमरे में आ जाते हैं। ये लेवल टू ट्रेनिंग होती है एंटरप्रेन्योर्स की, और इस पूरी सर्ट की एक स्किल के साथ और उसके बाद जनाब ये सॉफ्ट स्किल्स, बॉस इसको सिखाते हुए जॉन मैक्सवेल लेता है एक दिन का $10,000, और मैं आपको ये सब फ्री में सिखा रहा हूं, नथिंग इन रिटर्न। उसकी वजह ये है कि 2021 में आप सारे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे नहीं फर्क पड़ता आपका ताल्लुक किस मजहब से है, किस जात से है, किस मुल्क से है, मैं इंसानों के लिए हूं। मुझे जब मैसेज करता है, चाहे वो बांग्लादेशी दोस्त हो, चाहे वो इंडियन फ्रेंड हो, चाहे वो पाकिस्तानी, मेरे लिए सारे एक हैं। बहुत आगे निकल गया हूं मैं सरहदों की लड़ाई से, लेकिन मुझे एक चीज की फिक्र खा गई है, बहुत तंग किया हुआ है, वो ये कि सब्र नहीं है हमारे अंदर। जो पेशेंस का आंसर है ना, जो सब्र का आंसर है, यार ठीक है मुझे मेरे वक्त पे जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट रहा और मैं परसिस्टेंट रहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। इफ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल कीप इट। अगर आपने ज्यादा देर तक अपनी लेगेसी कायम रखनी है किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, तो याद रखिएगा जूरे वाला, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। आप फेल होंगे, आप नाकाम होंगे और आप गिरेंगे, उठिए, झाड़िए अपने आप को और चले आगे। यार किसी भी कामयाब शख्स की कामयाबी की हिस्ट्री उठा लो, दो मिनट के लिए मुझे सुनना, उसकी कामयाबी की हिस्ट्री सिर्फ एक बात पर डिपेंडेंट है। बेटियों से माजरत के साथ, लेकिन ये वर्ड बोलने दो मुझे, साला ढीठ सा, यकीन जानो साला ढीठ था। उसकी फैमिली के भी प्रॉब्लम्स, उसके माली भी प्रॉब्लम्स, उसके बैड डेज भी, कारोबारी डाउन्स भी, स्टॉक्स लिए वो बैठ गए, जान नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी इसने। ये वर्ड मेरा मुर्शिद, जब मैं उसकी महफिल में बैठता था ना, तो मैं कारपेट पे जमीन पे बैठता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनके साथ सीट पे बैठने की। घंटा घंटा बोलते थे, कहते थे बस और मैं क्या बोलूं, नहीं और बोलें ना आप, थोड़ी सी और बात करें ना। आई वॉज कंज्यूमिंग ऑल दिस व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप। और एक बात बोलते थे, किसी भी काम में कामयाबी सिर्फ एक जुमले में बंद हो जाती है, जैसे समुद्र को कूजे में बंद कर दिया जाता है। यार कामयाब आदमी को देखो, पंजाबी बोलते थे, साला थकदा नहीं सी। यार ही वाज एब्सोल्युटली राइट, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी इज द की। अगर आप जिद करते रहेंगे, काम करते रहेंगे किसी किसी मिशन के लिए, तो आप एक वक्त आएगा आप उस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। तमाम वो दोस्त जो सलाम दुआ दे भेज रहे हैं, तमाम दोस्तों को इज्तमाई वालेकुम सलाम अक्रॉस द बॉर्डर, तमाम दोस्तों को हेलो हाय नमस्ते, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन थैंक यू, टाइम फॉर माय कहवा एंड देन द फन बिगिंस टुनाइट। यार एक दफा मैं इसको पहन लूं ताकि मैं बार बार उतारू ना, एक्चुअली मेरे राइट एंगल का मसला है, मेरी आई साइट बिल्कुल ठीक है, पर ये सारी उम्र टेढ़ी टेढ़ी से आंखों से मोबाइल मैसेजेस देख देख के ना, नमस्ते अभी तो वो देख देख के ऐसे हो गए। चले ना जी, आप 1000 पे क्यों रुके हुए, मैं आपको इंशाल्लाह तरीके बताता हूँ, आप इंशाल्लाह 1000 से बहुत ज्यादा कमाएंगे। तरीके क्या बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको सब कुछ, सबर सबर। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, हैशटैग आपको पता है,
मैंने सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगी अभी तक, और मैंने कहा था ट्विटर पर ट्रेंड चला दो, लेकिन आपने अभी तक ट्रेंड नहीं चलाया, हैशटैग हिशाम सरवर इज माई टीचर, ताकि लोगों को पता लगे कि हो क्या रहा है इधर, और लोगों के घरों में दिए जल जाएं, और लोगों के घर में रोशनी हो जाए, और लोगों को सीखने का मौका मिल जाए, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा बॉस। ठीक है जी। अच्छा मूवी छोड़ के मेरी लाइफ देखा के बहुत शुक्रिया। आज हमने बात करनी है और सीखना है कि ब्लॉगिंग क्या होती है। हमने डिजिटल मार्केटिंग जो कि परसों क्लास ली थी ट्यूसडे वाले दिन, उस दिन हमने सीखा कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। आज हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कीवर्ड को रिसर्च करके अपने ब्लॉग में लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग में ये रिफ्लेक्ट हो जाए। ये राइट वाला पता नहीं 0.5 है, बाकी ये तो जीरो ही है। अब उसको निकालने से तो राम है, खाली है, इस पे एंगल का कोई मसला आया हुआ है तो ये तंग कर रही है मेरी आंख को, हेडेक होती है यहाँ पे ना सर, राइट साइड। बहरहाल कल जो मैं थक रहा था, मैं इस वजह से थक रहा था, वो फिर आज मैंने इसको ठीक करवाया और सही हो गया मसला। इस दौर में जिसको भी इंटरनेट पे सरवाइव करना, उसको ब्लॉगिंग करना आनी चाहिए। अब ब्लॉगिंग क्या है? आप 8वीं क्लास के बच्चे हैं, 7वीं क्लास के बच्चे हैं। अरे वाह मुजर भाई, बच्चों के नाम लिया तो आपने कहा मेरे बच्चे बैठे हैं, खुश रहें जी। जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो अंग्रेजी लिखते हैं, आज तो पाकिस्तान स्टडीज भी अंग्रेजी में हो रही है और सारे काम ही अंग्रेजी में हो रहे हैं, वो अगर इस एज से स्टार्ट कर दे अपना ब्लॉग बनाना, वो अगर लिखना शुरू कर दे, तो सोचो 2021 के मिड में वो पैसे कमा रहे होंगे, और ब्लॉगिंग पैसे कमा के देती है सर। कैसे? अभी बताता हूं। तो ब्लॉगिंग सबसे पहले समझना है क्या, ब्लॉगिंग और जर्नलिज्म का फर्क जरा समझ लेते हैं। देखो पुराने वक्तों में प्रेस के लोग अखबार में लिखने से पहले पेपर में लिखते होते थे, फिर आ गया इंटरनेट 1995 में, तो लोगों ने ब्लॉग साइट्स बनाने शुरू कर दिए। उनका वही काम जो हमने टाइपराइटर पे टाइप करके अखबार में प्रिंट करना है, वो काम तो आसान हो गया भाई, अब तो इंटरनेट के थ्रू भी लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है। तो लोगों ने अपना इजहार ख्याल, लोगों ने न्यूज ब्रेक करना, अपने रिव्यूज, अपने व्यूज, वो ब्लॉगिंग की सूरत में अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग्स पे लिखना शुरू कर दिया। एक सेकेंड यार, अब सही है, फुटरेस्ट सही कर। तो हुआ क्या कि ये पॉपुलर होना शुरू हो गया। ब्लॉगिंग दो किस्म की होती है, एक जिसका मैंने अभी जिक्र किया, आपके व्यूज, रिव्यूज, एनालिसिस, परसेप्शन, स्टोरीज आप कवर कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं रेगुलर ब्लॉगिंग। मिसाल के तौर पे मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग करता हूं, आपको पता है beingguru.com पे मैंने जो लिखना था लिख लिया, ठीक है पोस्ट कर दिया। एक होती है ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग। अभी मैं आपको बताता हूं अपने जर्नी पे लेके जाता हूं कि मैंने कैसे ये बींग गुरु स्टार्ट की थी। तो इवेंट ब्लॉगिंग दूसरी टाइप की ब्लॉगिंग है। वो क्या है? जो इवेंट आने वाला है एक दो महीने में या 3 महीने का, अपने आपको टाइम दीजिए, आप उसके बारे में लिखना शुरू कर रहे हैं। अरे भाई डिसलाइक करने दीजिए अजहर भाई, कोई बात नहीं, लोगों का हक है, लोगों का राइट है, एज लॉन्ग एज गाली गलोच नहीं होती कोई मसला नहीं है, मैं इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी नहीं, लिटरली नहीं फर्क पड़ता। हाँ लाइक कर दें बस, ये मेहरबानी है, ताकि बाकी लोगों को पहुंच जाए, वो एल्गोरिथम ही यूट्यूब का ऐसा होता है। तो इवेंट ब्लॉगिंग का मतलब है कि लेट्स से मैं अभी बैठा हुआ हूं अक्टूबर में, एंड ऑफ ईयर है दिसंबर, क्रिसमस है 25 दिसंबर, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि आप लिखना शुरू कर देते हैं कि जनाब क्रिसमस में मैंने कुछ बेचना है। अब आप सर्विस भी बेच सकते हो,
आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। तो त्योहार यानी कि इवेंट से 3 मंथ्स एटलीस्ट इन एडवांस्ड आप उस इवेंट के बारे में लिखना शुरू कर देते हो और बेतहाशा लिखते हो। बेतहाशा लिखने से यह होता है कि जितना आप कंटेंट गूगल को प्रोवाइड करेंगे, देखो सर्च इंजन में लड़ाई गूगल ही की है, बाकी तो ऐरा गैरा नथु खैर है भैया। जितना आप सर्च इंजन को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे इन डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट, उसके पास चॉइस ही नहीं आपको इंडेक्स करने के अलावा। फिर लोग सर्च करते हैं उस त्योहार के मुतल्लिक तो आपकी ब्लॉग साइट नजर आ जाती है, हैं? क्रिकेट T20 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट 50 का वर्ल्ड कप, आपने 4 महीने पहले लिखना शुरू कर दिया। सोचना जरा, मैं इसलिए बात करूं कि ज्यादातर तादाद मुझे कमेंट से नजर आता है कि लड़के करते हैं, खातीन तो चुप रहती हैं, वो तो बेचारी कहती हैं हम कमेंट करते हैं तो फंस जाती हैं, शिकायत करती हैं आप लोगों की, कमेंट करने की देर है, उसके बाद फिर शुरू। तो क्रिकेट के वर्ल्ड कप से पहले आपने क्या क्या कर सकते हैं, आपने एक ब्लॉग बनाया, उसका आपने डोमेन नहीं ली और उसके लिए अच्छा सा तगड़ा सा होस्ट लिया, अभी हम उस पे आएंगे पार्ट पे, अब तक तो आपको पता लग गया होगा मैं पहले बेस बनाता हूं और फिर आपको एक एक पॉइंट पे लेके जाता हूं, ठीक है। वंस यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, मिसाल के तौर पे इस वर्ल्ड कप में चांस किसका सबसे अच्छा है, इस वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम कौन सी अच्छी है, बेस्ट बैट्समैन कौन से हैं, बेस्ट बॉलर्स कौन से हैं, एवेन्यूज, ये जी इंग्लैंड में हो रहा है, इस जगह पे बॉल ज्यादा स्विंग होगी, इस जगह पे बॉल ज्यादा स्पिन होगी, प्रीवियसली वर्ल्ड कप विनर्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए, प्रिडिक्शन एनालिसिस, प्लेयर्स को डिस्कस किया जाए, सबसे अच्छी फास्ट बॉलिंग कौन करता है उस पर एक आर्टिकल लिख लिया, सबसे अच्छा स्पिनर कौन सा उस पर एक आर्टिकल लिख लिया, सबसे अच्छा पिंच हिटर कौन है उस पर एक आर्टिकल लिख दिया, सबसे अच्छा टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन कौन है, यू नो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको किसी भी टॉपिक से कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्रिसमस है तो अच्छे गिफ्ट फॉर मेन, अच्छे गिफ्ट फॉर वुमेन, बेस्ट गिफ्ट अंडर 50, बेस्ट गिफ्ट अंडर 100, ये 4 ब्लॉग पोस्ट मैंने आपको बता दी, मुख्तलिफ है ना। तो होता क्या है कि जितना आप लिखते हैं उस इवेंट से पहले अपने आप को फेयर चांस देते हैं कम से कम 90 दिन, तो उस 90 दिन का चांस देने से आपका ब्लॉग जो है वो इंडेक्स हो जाता है, यानी गूगल पे नजर आना शुरू होता है, तो लोग सर्च करते हैं उस कीवर्ड को। ओके, मैं वापस क्रिकेट पे आता हूं, व्हिच टीम विल विन द वर्ल्ड कप 2022-23 जो भी है, लो जी आपकी ब्लॉग पोस्ट नजर आ गई क्योंकि आपने उस टॉपिक पे 2-3 ब्लॉग पोस्ट लिखे हुए थे मुख्तलिफ। यार हिस्ट्री ये कहती है, स्टैट्स ये कहती है, और मुल्क अभी इंडिया का हो रहा है तो उसमें ये कहते हैं। मैं अगेन गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट। तो वंस यू स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग इन एडवांस आपका कंटेंट इंडेक्स होना शुरू हो जाता है। जब कंटेंट इंडेक्स होना शुरू हो जाता है तो लोग जब सर्च करेंगे उस बारे में आपकी साइट नजर आ जाएगी, ठीक है जी। जब आपकी साइट नजर आ जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी जो भी आप बेचना चाहते हैं। यार ये बड़ा अच्छा सवाल किसी ने पूछा, ब्लॉग और आर्टिकल का फर्क बता दीजिए। आर्टिकल लंबा होता है जी, वो लंबियां कहानी होती है, पर ब्लॉग जो है ना वो 500 से 2000 वर्ड के बीच में होता है, आर्टिकल तो कुछ भी हो सकता है एट लेंथ, ये फंडामेंटल डिफरेंस है जी। अब बेचना है तो क्या बेचना है, पैसे कैसे कमाए जाए भैया, यहां पे 2 तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। लिखते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए, आपकी पार्टी शुरू हो गई है, थोड़ा मैं न्यू ईयर आज बनाना। नंबर 1 गूगल एडसेंस, सिर्फ लिख लें, जब मैं उस पार्ट पे आऊंगा तो आपको पूरा स्क्रीन शेयर करके सिखाऊंगा गूगल एडसेंस अप्रूव कैसे करना है, परेशान ना होइएगा। और दूसरा है जनाब एफिलिएट प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की ही एग्जांपल दे रहा हूं,
अब मुझे बिफोर आई ब्रेक लूज, जो कमेंटिंग करना चाह रहे हो कमेंटिंग को रोक दो, क्योंकि मैं आपके सवाल के जवाब नहीं दे सकता। मुझे भी पढ़ाने दो, सवाल के जवाब वैसे भी नेक्स्ट वीक है, रखो लिखो और सब्र करो। इतनी जल्दी नहीं है कि मैं यहाँ पे मिस्टर एबीसी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बार बार कमेंटिंग को पेश कर ही जा रहा है, तो मैं उसको पढ़ाई छोड़ के मैं उसको जवाब दूंगा, मैं पढ़ाई छोड़ के उसको जवाब नहीं दूंगा। पर हाँ, अगर वो ज्यादा तंग करेगा तो मैं उसको टाइम आउट पे रख दूंगा। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए और सीखिए जो मैं सिखा रहा हूँ। आपके जितने भी सवाल हैं, आपसे पहले वाले भी, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, सबको पता है कि 3 घंटे के बाद उनकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं। बस दुआ करें मैं समझा पाऊँ, इतना दुआ करें कि अल्लाह जुबान की ग्रह खोलते, आपको एक एक चीज सिखाते जाऊंगा। तो सब्र कीजिए, अगर आप पे सब्र नहीं है तो आप इस स्ट्रीम को छोड़ जाइए, कोई मसला नहीं है, याशी कीजिए। अब आते हैं एफिलिएट प्रोडक्ट्स पे। एफिलिएट प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि एक साइट है, जहां आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, आपने क्लिक बैंक का नाम सुना होगा, आपने कुछ भी, एक वेबसाइट दराज.पीके हो सकती है, होस्टिंग की एफिलिएट हो सकती है। उन तमाम साइट्स का कोड लेके अपनी वेबसाइट पर रख दिया, अपने ब्लॉग में। इसको कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग, जिसमें आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब एग्जांपल देता हूं वापस क्रिकेट की। भाई वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो टी शर्ट्स बिक सकती हैं फेवरेट प्लेयर की। भाई वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो सेवेनियर्स बिक सकते हैं, बॉल्स, क्रिकेट क्रिकेट बॉल्स, बैट, ग्लव्स एंड ऑल दैट गियर्स एंड गैजेट्स। वो आप एफिलिएट साइट पे जाके ढूंढें, पहले साइन अप करें और उसके बाद उसका लिंक लेके अपने ब्लॉग में डाल दें कि यार ओके, दिस वेबसाइट, इफ यू वांट टू बाय द बेस्ट क्रिकेट बैट, हियर इज द लिंक। आपने बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे किसी फेवरेट बैट्समैन की, चाहे वो विराट है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो मैक्सवेल है, चाहे वो विलियम्स, कोई भी आपका फेवरेट प्लेयर। और बात करते करते, जैसे कल हमने कमेंट में कोरा में लिंक सप्लाई किया था ना, बात कुछ और हो रही थी। हम बड़े प्यार मोहब्बत से लिख रहे थे, सर को मसला है कोई नहीं, अगर आपने ये करना है तो ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, आप इंटरनेट पे पैसे कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को सीख के आप बहुत सारा पैसिव इनकम कमा सकते हैं आप। ये लिंक है सर, मैं यहां पे सिखा रहा हूं। आपने अपना लिंक दे दिया, किसी ने क्लिक किया, वो आपकी एफिलिएट साइट पे चला गया और उसने पैसे कमा, परचेज किया। ना आपने शिपिंग करनी है, ना आपने उसकी पैकेजिंग करनी है, ना आपने पेमेंट उससे एक्सेप्ट करनी है, ना आपने उसके अगर प्रोडक्ट खराब आई है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी है, आपसे ताल्लुक ही नहीं है। वो चला गया क्लिक करके लिंक पे, एफिलिएट वेबसाइट पे, और वहां से जाके उसने परचेज कर लिया। आप अमीर हो गए, आपने ना मकसद पूरा कर लिया इवेंट ब्लॉगिंग का। तो दो तरीकों से इवेंट ब्लॉगिंग होती है, दो तरीकों से ब्लॉगिंग होती है, एक रेगुलर ब्लॉगिंग और एक होती है इवेंट ब्लॉगिंग। अब जब रेगुलर और इवेंट ब्लॉगिंग का आपको फर्क समझ लग गया, जो मैंने बड़ा तफसील से बताया, सबसे पहली बात समझनी है कि ब्लॉग के लिए आपको चाहिए क्या। ब्लॉग के लिए दो तरीकों से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये तो फर्क था ना, डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगिंग। अब हाउ टू डू ब्लॉगिंग, इस पे आ जाते हैं। एक है जिस पे मैं आपको हर रोज असाइनमेंट्स देता हूं, मैंने आपको बोला पहले दिन सिखाया, blogger.com पे जाओ, गूगल की प्रोडक्ट है, आराम से साइन अप करो और उसके बाद ब्लॉग लिखना शुरू कर दो, जो तुम्हारे ख्यालात हैं वो मेरी असाइनमेंट को लेके लिख दो, जो मैं आपसे ओवर द वीकेंड पूछ लूंगा, सीख लूंगा, समझ लूंगा। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया, वर्डप्रेस का ब्लॉग बनवाइए, जैसे मेरा beingguru.com वर्डप्रेस का ब्लॉग है। आपको वर्डप्रेस नहीं आती, आप जाएं workchest.com पे और जाके, अब स्क्रीन शेयरिंग का माहौल शुरू हो आ चाहता है, तैयार हो? बोलो तैयार है। ये लो जी, आज फुल स्क्रीन शेयर होगी आज, ठीक है जी, आज फुल स्क्रीन शेयर हो रही है। तो वर्कचेस्ट पे जाइए भैया, वर्कचेस्ट पे जाओ,
जाके आपने एक प्रोजेक्ट पोस्ट करना है जो इधर नजर आ जाएगा, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये किसी ने ऑलरेडी किया $50 किया, देखो लोगों ने बिड भी की है, आप भी अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर दें और आपको अच्छी प्राइस ही नॉमिनल प्राइस मिलेगी, अपनी साइट बनवा लीजिए। ठीक है जी, अब अपनी साइट बनाने के बाद मैं किधर हूं, क्या क्या खुला हुआ है, मुझे यही नहीं समझ लग रही। हाँ ये रहा, तो अपनी साइट बनाने के बाद आप उस पर ब्लॉग लिखना शुरू कर देंगे हर रोज के हिसाब से। इवेंट ब्लॉगिंग करनी है तो याद रखना बहुत ज्यादा कंटेंट कवर करना पड़ेगा अगर इवेंट ब्लॉगिंग करनी है, और अगर रेगुलर ब्लॉगिंग करनी है इट्स ओके। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो एक ब्लॉग लिखती हैं पूरे हफ्ते का, पर उसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, वो 2000 और 2000 प्लस वर्ड्स का एक कंटेंट लिखते हैं। आपने कभी गौर किया हो, जितने भी बड़े ब्लॉग्स हैं, चाहे वो कपड़ों के ब्लॉग्स हैं, चाहे वो लेट्स से neilpatel.com है, वो ब्लॉगर है, या टोनी रॉबिन्स का ब्लॉग है, ये सारे दो दिन में एक ब्लॉग लिखते हैं और बहुत बड़ा ब्लॉग लिखते हैं क्योंकि टाइम इतना लग जाता है लिखते हुए, 4000 वर्ड्स 3000 वर्ड। ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट मस्ट है, blogger.com से लाख दुना बेहतर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवा लीजिए। मेरी जो वेबसाइट है वो जनाब beingguru.com, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। यह देखें जी, मैंने खोला आपके सामने, अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। इसको ओपन किया और ये विद इन 5 सेकंड्स ओपन हो गई। इस पे लोड डाला तो इस पे बहुत सारे लोड का प्रेशर ये ले लेता है, लोड और वेबसाइट की स्पीड और इसका मोबाइल पे तेज खुलना गूगल को बहुत पसंद है। अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकंड से बाद में खुलती है तो गूगल आपको पसंद नहीं करता। वो नवीद कहता है ना रेडियो मिर्ची वाला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भाईजान स्पीड बहुत मैटर करती है आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे थीम बहुत मैटर करती है, आपकी वेबसाइट का मोबाइल वर्जन बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने ब्लॉग लिखना है तो लोग इतनी देर इंतजार नहीं करेंगे। अब ये देखो ये खोला, ओ पे गया, बात खत्म, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो इंतजार करें जी साइट खुलेगी और साइट बैठेगी और उसके बाद वो इंतजार करते। सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी माय फ्रेंड्स, आई लॉस्ट ह्यूज मनी एंड ट्रैफिक इन 3 ईयर्स जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव फास्ट होस्ट। मैंने कहा जी वो गमा माजा बैग बेच रहा है 3000 रुपए में, चलो जी 3000 रुपए का होस्ट ले लेते हैं, ओनली टू फाइंड आउट कि उसकी सर्विस भी 3000 वाले की जैसी थी। तो होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अब होस्टिंग पे आ रहा हूं और आपको बताऊंगा वेब डेवलपर्स के आप कैसे पैसे कमा सकते हैं अच्छी होस्टिंग सर्विसेज देके। बम का गोला मारो तहसीन मीडियम को, इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन राइट बट इट्स इररिलेवेंट राइट नाउ। ठीक है जी, इथे आए वापस, अब आए जी होस्टिंग पे। बहुत सारी होस्टिंग साइट्स हैं, bluehost.com जाता तो मैं एफिलिएट का लिंक आप लोगों को देता और मैं इसी लाइव पोस्ट पे भाईजान मैं इतना कमा सकता था कि अच्छी थी मेरी। अब एफिलिएट पे क्लिक करें, मैं बता रहा हूं, मैं समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एफिलिएट जो है ये $60 पर वो देते हैं साइन अप पे जी, विच इज एक्चुअली अमेजिंग, $60 फॉर वन साइन अप, और साइन अप सस्ता है। मिसाल के तौर पर मैं होस्टिंग पे क्लिक करके मैं जाता हूं जी डेडिकेटेड होस्टिंग पे, सिर्फ दिखा रहा हूं मैं आपको पैकेजेस। तो ये अगर आप बहुत बड़ा होस्ट चलाना ब्लॉग चलाना चाहते हैं तो ये प्राइसिंग है, ये अभी आपके लिए बहुत बड़ी है, आप इसको ना खरीदिएगा। तो आप फिलहाल स्टार्ट कीजिए शेयर्ड होस्ट से। शेयर्ड होस्ट पे ब्लू होस्ट वालों अगर शर्म हो ना तुम लोगों को तो मुझे स्पॉन्सर करो। तो ब्लू ये देखो यहां पे अगर आप ये चॉइस प्लस या प्रो के बीच में कुछ भी चूज करो ना
तो ये सालाना आपको पड़ेगी अराउंड $100 या $120, बड़ी मुनासिब प्राइस है। हर होस्ट आपको फ्री में डोमेन देता है। मेरे पास रीसेलर अकाउंट है एक होस्ट का, मैं बता देता हूं। तो फ्री डोमेन आपको अगर एक साल के लिए एक्वायर करो तो मिलती है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई, हाँ की हुई, तो वो आपको मिलती ही मिलती है। तो यहां पे गुजारिश ये है कि एक दफा महंगा खर्चा कर लो। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक दफा खर्चा कर लो अच्छा सा। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, मैं बार आपको और एग्जांपल देता हूं। fatcow.com, तो जी fatcow.com पे अगर आप इसके कंट्रोल पैनल नॉट अ कस्टमर साइन अप, ये भी उतना ही देता है, $61 का गालिबन। किधर गया यार, पार्टनरशिप VPS डोमेन fatcow प्लान शायद खत्म कर दी है या क्या, बिकॉज बैक देन आई यूज टू यूज इट अ लॉट। गिव मी अ सेकंड, लेट मी फाइंड आउट, बिकॉज आई डोंट यूज इट ऑफन। देयर मस्ट बी, आई थिंक इट्स अंडर पार्टनरशिप, लेट्स जस्ट फाइंड आउट यार। हाँ ये देखो, भी अब जरा पढ़ना, मैं जूम कर रहा हूं। हाँ fatcow.com ऊपर इतना बड़ा लिखा आ रहा है, इंक्रीज योर वेबसाइट इनकम बाय प्रोमोटिंग fatcow, रिसीव अप टू $150 पर रेफरल फॉर एवरी न्यू कस्टमर यू रेफर। मैं कहता हूं गेट स्टार्टेड, ये जरा वेब डेवलपर को मैं बता रहा हूं। तो शेयर्ड होस्ट में जवानों $65 तुम्हें मिल जाएंगे। और शेयर्ड होस्ट की प्राइस पहले साल पता क्या है, जब कोई खरीदता है वो खिंच के भी नहीं $65 होनी, या शायद हाँ $80 तक। तो कमाएगी क्या ये कंपनी, ठीक है जी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि बड़ा सोचो, बेहतर सोचो। शेयर पे भी पैंसठ हो, इधर भी पैंसठ, तो बेचो इसको। और आपने होस्ट लेना है तो बहुत सारी साइट्स हैं भाई। अब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, वेब होस्टिंग पाकिस्तान, मैंने जब अपनी ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट में किसी पाकिस्तानी साइट का जिक्र किया ना, यार लोगों ने कहा आपने उनको क्यों प्रमोट किया। मैं कहा मैं तो जानता भी नहीं कौन है। होस्टर पीके नाम आ रहा है यहां पे, एक है इजी होस्ट डॉट पीके, एक है होस्टर डॉट पीके। मुझे जरा अपने सामने आने दो, नहीं लेना ऐसी की तैसी, नहीं लेना। वही बात है ना, जो धमाल मूवी में सामने तू लाल बटन देख रहा है, नजर आ रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। एक ही दफा बाहर का होस्ट लो, एक ही दफा अच्छा होस्ट लो, और अगर अभी पैसे नहीं हैं तो पहले ट्राई करो। ये स्लो होते हैं, इनकी इनकी प्राइसिंग तो कुछ भी नहीं होती, बहुत सस्ते होते हैं, पर ये बहुत स्लो होते हैं। GoDaddy मेरे नजदीक, देखो मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं तो मैं मोहतात रहना पड़ता, अभी पता नहीं कितना बंदा देख रहा होगा, 1204, तो मुझे मोहतात रहना है ना, तो नहीं। क्लाउड से रिलेटेड जितने भी होस्ट हैं वो ले लो, एक बेहतरीन क्लाउड की साइट बताता हूं। हम जान छड़ दे GoDaddy थी, कह रहे हैं नहीं लेना, फिर शुरू हो गया GoDaddy। क्लाउड क्लोन, ठीक है यार, एक तो मैं स्टॉक टो मैं क्या करूं, क्लाउड क्लोन स्टॉक, अभी तो मार्केट शुरू नहीं है, तो पहली स्टॉक क्लाउड क्लोन की साइट पे जा रहा हूं भैया, ठीक है एक सेकंड रुकना, मेरी कुछ साइट्स इस पे होस्टेड है। क्लाउड क्लोन ही नाम था उसका, आखिरी खबरें आने तक अगर अभी बैठ ना गई हो। बीइंग गुरु तो खैर इस पे नहीं है, वो तो डीडी पे है, वो खुल जा भाई, क्यों पब्लिकली अपने कारोबार में गाहक लूज कर रहा है। ये चक्कर है,
ठहरो जी, इधर ही कहीं था क्लाउड क्लोन का जिक्र। पिछले दिनों मुझे बता रहा था कि इसने अच्छा इसको मिला है वो। एक सेकेंड ना, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, परेशान ना होना। पूरा ढूंढना पड़ेगा क्लाउड क्लोन। चलो छोड़ो उसको। फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं AWS होस्टिंग, आउट ले लो या होस्टिंग, एक ही बात है, ठीक है जी। Amazon जिंदाबाद, इसको खोलो, ये भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है AWS का। पिछले दिनों सीखना सीखो का इवेंट हुआ था विद ओपन सोर्स, और उसमें AWS के गिव अवे दिए गए थे। जुम्मे की रात को बाबर जूर को ले आऊंगा, उसको पकड़ लेना और कहना कि हमें AWS के फ्री वाउचर्स दे, 50-100 ले लेना, ठीक है जी। फिर आपके पास जहां पे मेरी साइट्स हैं, उस गेटर का बेहतरीन होस्ट है, मैं 8-9 साल से यूज कर रहा हूँ होस्ट गेटर को। अब ये इसका उठा लो बिजनेस प्लान, ये बिजनेस प्लान है कुछ $6, हाँ 5.25 का, तो $70 में लो यार, याशी करो याशी करो, अपनी साइट बनाओ। आपको डोमेन भी मिल रही है फ्री डोमेन, उसके साथ आपको SSL, आजकल तो सारे ही SSL देते हैं। SSL क्या है, अगर आपको ये नजर आ रहा हो URL, इसके लेफ्ट साइड पे एक ताला होता है, हर ताले की है एक चाबी, तो ये लिखा आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, इतना नजर आ रहा है आपको। तो ये जनाब होस्ट गेटर भी अच्छा है। आपने होस्ट ले लिया, आपने जाके वर्कशॉप पे कहा किसी को कि मुझे वेबसाइट बना दो, उसने आपके लिए वेबसाइट बना दी। अब आपने वेबसाइट बिल्ड करनी है, जब आपके बन गई साइट तो वो बनेगी इस तरह की, जैसे हमारी का नाम है, ठीक है जी। ये होगी बात होस्टिंग, ये होगी बात डोमेन भी फ्री है इंक्लूडेड, 1 साल के लिए, अगले साल से पैसे देने हैं। और उसके ऊपर क्लाउड फ्लेयर का सीन लगा लो, क्लाउड फ्लेयर का तो जाहिर हर कोई लगाता है ताकि मिरर हो जाए क्लाउड फ्लेयर। मैंने स्टॉक लिया, मैं क्लाउड फ्लेयर की क्यों ना बात करूं, राइट। नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन और ब्लॉग टू बी फाउंड। अब सुनना, इसको देखना ज्यादा जरूरी है, देखोगे तो ऑब्जॉर्व कर पाओगे, और यही सारी की है सक्सेसफुल ब्लॉगिंग की, राइट। एक मिनट की ब्रेक। देखो, अगर मैंने आपके होस्ट का नाम नहीं लिया ना, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका होस्ट अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ यह समझाना चाह रहा हूं कि उन कंपनी से खरीदो जो बेहतर है। दिस इज हाउ आई एम, मतलब मैं उन चीजों को प्रेफर करता हूं अपना पैसा खर्च करना जो रिलायबल हो और जो अफोर्डेबल हो, जिनको इस्तेमाल करके मुझे शर्मिंदगी ना। मैं आपको अभी कहता हूं, आप जाइए beguru.com खोलिए, जरा एक सेकंड खोले, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं स्क्रीन शेयर करके। आज तो स्क्रीन शेयरिंग है सारा दिन की, खोले ना पहले beguru.com खोले, शाबाश, फिर मैं आपको बाकी की स्टोरी समझाता हूँ। चाय बुलाता हूँ यार, कावा पी के मजा नहीं आया। अच्छा, मुझे आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने, खबरदार मेरे से सवालात पूछे, मुझे सिखाने दीजिए जी। क्वेश्चन मार्क आमिर, ये क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको मैं टाइम आउट कर दूंगा। चाय अच्छी सी पिला यार, वो अंग्रेजों वाली चाय होनी चाहिए जिससे मेरे दिमाग की बत्ती ऑन हो जाए, ठीक है ना, अच्छी सी चाय ला। सदफ 3 लाख सब्सक्राइबर पे क्या मिलेगा, दुआ। अच्छा, आप जाएं जरा beguru.com खोलें जी, आप सबको मैं ओपन दावत दे रहा हूं, beguru.com खोलें, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक आप आ रही है वो आप लोग नहीं आए, सो ओपन इट, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। एंड बिफोर आई डू दिस, 3 लाख सब्सक्राइबर पे मीटअप करें, चलो वैसे भी हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा इंशाल्लाह, मीटअप करते हैं इंशाल्लाह।
क्या ख्याल करोगे। इस वेबसाइट की लोडिंग स्पीड देखिएगा, इस वेबसाइट को अगर मोबाइल से खोला है तो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखिएगा, और इस वेबसाइट की यूजर इंटरफेस जिसको कहते हैं यूजबिलिटी, ये देखिएगा। मैं असद बिल्कुल परेशान हूं ना, मैं मेरी गलती है, बल्कि मैं तुमसे माजत खाऊं, ये मैं प्रिंट कर रहा हूं तुम्हारा मैसेज, असद भाई मैं माजत खाऊं, मेरे से गलती हुई है, आई अपोलोजाइज, क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि मैं शायद फ्लो में आगे निकल गया हूं, तो बेसिक तो मैं बात ही बच्चों को बताना भूल गया। थैंक यू असद, बाय द वे थैंक यू फॉर यू नो पॉइंटिंग आउट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो एक मकान है ना, घर है ना, वो घर आपकी वेबसाइट है, वो घर जिस जमीन पे बना है उसको कहते हैं होस्टिंग, और उस घर का जो पता है, मिसाल के तौर पे मेरे घर का पता है 46/1, वो है उसका डोमेन। सो डोमेन नाम हुआ, यानी के beingguru.com। होस्टिंग वो जमीन है जिसपे घर बना है, यानी के वो स्पेस है जिसपे मैंने वेबसाइट अपलोड की हुई है, और उस जमीन के ऊपर जो घर बना हुआ है वो मेरी वेबसाइट है beingguru.com। सो नाम और स्पेस, ये नेम एंड होस्टिंग है। थैंक यू असद, मतलब आपने मेरी मुझे पॉइंट आउट किया मेरी गलती को, मुझे लोगों को बताना चाहिए था कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस आते हैं स्क्रीन पे, असद की बात के बाद किधर गया, एक तो फुल स्क्रीन शेयर करो, तो ये देखो अभी ये यूजर है मेरी साइट पे ना, आप लोग देख रहे हैं और भी लोग देख रहे हैं, कहानियां चल रही हैं, हाउ टू गेट गूगल, ये सारे मेरी ब्लॉग पोस्ट हैं जो नजर आ रही हैं एंड ऑल दैट स्टफ। यूट्यूब से 27 बंदा है इस वक्त, आ जाओ भाई यूट्यूब वालों, मेहरबानी कर दो। और उसके बाद जनाब कीवर्ड्स 169 सर्च किए गए हैं, तो यूट्यूब वालों अगर आप तशरीफ ले आएंगे तो आपका नंबर अटे, अगर मैं 2000 बंदों को पढ़ा रहा हूं तो खोल लो। हाँ आई अंडरस्टैंड, जो मोबाइल वाला वो नहीं खोलेगा क्योंकि उसका तो मोबाइल से निकल जाएगा ना, वो यूट्यूब बंद हो जाएगा, तो अगर लैपटॉप है तो उसको खोल लो। बहरहाल अब आपकी साइट पे अगर अच्छा होस्ट है, अगर आपकी जमीन अच्छी है, तगड़ी है, तो आपका घर सालों साल रहेगा। पर अगर आपकी जमीन डैम्प है, जमीन खोखली है, उसमें दीमक है, तो सर आपका घर की बुनियाद ही खराब होगी ना, समझे मेरी बात को। अब अगर आप शेयर्ड होस्ट लेते हैं तो मेरी बात समझिएगा, ये जो 405 या 4010 12 जो भी नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है यूके से सर्च की जा रही है, ये जो नजर आ रहा है कि यार किसी ने सर्च किया बीइंग गुरु आप में से, ये जो नजर आ रहा है 191 कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये जो नजर आ रहा है डायरेक्ट इतने, सर होस्टिंग शेयर्ड हुई, सस्ता जमीन ली आपने $2 पर मंथ वाली, यानी $30 पर ईयर पे, तो आपकी वेबसाइट पे 50 रियल टाइम यूजर के बाद साइट क्रैश हो जाती है। अभी तो आप लोग सर्च नहीं कर रहे, मैं आपको गुजारिश भी कर रहा हूं लेकिन नहीं कर रहे, तो जितना लोड बर्दाश्त करेगी इसका मतलब कि आपकी साइट का कंटेंट, आपके ब्लॉग का कंटेंट उतना ही लोग पढ़ेंगे यार। अब जितना लोग पढ़ेंगे, अगर आप एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप फिर बहुत सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, चाहे वो अमेजोन की एफिलिएट है, चाहे वो तो अभी हम सीखेंगे ना। तो मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज सस्ता रोए एक दफा, बार बार महंगा रोए एक दफा, एक दफा अपने आप पे थोड़ा सा खर्चा कर लो, आप खुश रहोगे, आबाद रहोगे। ओके, नाउ दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू ब्रिंग इनटू योर काइंड नोटिस। द सेकंड थिंग इज होस्टिंग का बैकअप बहुत जरूरी है। होस्टिंग का बैकअप क्यों जरूरी है? देखो मेरे जैसा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा कॉन्टेंट बहुत 10,000 व्यूज मुझे बीइंग गुरु पे आते हैं, मैं रिस्क ही नहीं ले सकता कि जी मैं एक कोई दो नंबर किस्म का होस्ट जो है वो अफोर्ड कर पाऊं, क्योंकि ट्रैफिक भाग जाएगी जी, पूरी दुनिया से मुझे देखा जाता है मेरे ब्लॉग को, अभी तो टाइम नहीं है। ओहो स्क्रीन शेयर कर, सॉरी यार आई अपोलोजाइज। अब ये जैसे देखो
इंडिया का 10 पंद्रह, बेल्जियम, सऊदीया 15 दिखाता है, ये गूगल एनालिटिक्स है ये एक वक्त में, और कंटेंट जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब रात को अमेरिका चढ़ जाएगा तो अमेरिका चला जाता है नॉर्मली 80-90, फिर उसके साथ कनाडा आ जाता है सुबह सवेरे 4-5 बजे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ट्रैफिक आ जाती है, दोपहर को यूएई बहुत होता है, इस वक्त पाकिस्तान बहुत होता है, इंडिया नॉर्मल है। I used to have a lot of Indian traffic back then, but वो अब ऐसा नहीं है, अब moderate ही है, क्योंकि मेरा ज़रा YouTube का है तो ज़्यादा पाकिस्तान से। फिर ये sources बताता है, ये कहता है यार 167 ने direct खोला, जिनको मैंने अभी बोला होगा, हाँ 49 YouTube से link क्लिक करके आए, ये किसी ने link दिया होगा उस पर क्लिक करके आए, 185 Google पे सर्च करके आए हैं, नजर आ रहा है 185 Google से सर्च करके आए। ये क्या सर्च करते हैं आओ देखते हैं, ये सर्च करते हैं जी लाइब्रेरी, ओपन सोर्स लाइब्रेरी, फ्री बुक्स, यहां पे इनको मेरी साइट नजर आ जाती है, ये रही जी लाइब्रेरी। ये और क्या सर्च करते हैं, चेंज फॉर योर फ्रेंड्स, चेंज योर फ्रेंड्स का कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, 7 दिन में 400 odd, यहां पर इनको मेरी साइट नजर आ गई जी, ये ओहो मैं ज्यादा ही नीचे आ गया, ये रही। ये और क्या सर्च करते हैं सबसे ज्यादा, रिच डैड पुअर डैड समरी, सबसे ज्यादा रिच डैड पुअर डैड समरी, रिच डैड पुअर डैड लेसन्स, ठीक है जी, ये राजेश सबसे पहले ये इस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं, और भी बहुत सारे हैं यार, मतलब बेतहाशा कीवर्ड्स हैं, मनी से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। सो सर्च में इंडेक्स होने के लिए आपको कीवर्ड एनालिसिस करना आना चाहिए। अब कीवर्ड एनालिसिस किस बला का नाम है, वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि कीवर्ड एनालिसिस होता है एचरेफ, मैं स्क्रीन इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ना सही सही नजर आता रहे। नाउ आई वांट योर फुल कंसंट्रेशन, मुझे इसको 45 मिनट में रैप अप करना है सर्च के वॉल्यूम को, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट बहुत लंबा है। स्क्रीन शेयर है कि नहीं है, कि मैं अभी लगा हूं, हाँ शेयर्ड है, चलो गौर से देखिएगा। हाँ एचआरएफ में क्या करना है, आप फ्री टूल लीजिए, आप पैसे ना खर्च कीजिए, मैं आपके पैसे नहीं खर्च कराता, ऑल द वे बॉटम पे जाइए, यहां पे ये कहता है कीवर्ड जनरेटर। अब कीवर्ड जनरेटर इसको मैंने खोल दिया, इसके साथ मैं खोल रहा हूं नील पटेल उबर सजेस्ट, और इसके साथ मैं खोल रहा हूं गूगल कीवर्ड प्लानर। मुझे जरा लॉगिन करने दो हर जगह पे, स्क्रीन इसलिए शेयर किया कि आप ये तीनों चीजें पिक कर लें, गूगल कीवर्ड प्लानर, फिर नील पटेल का ऊबर सजेस्ट, और उसके बाद मैंने एचआरएफ का कीवर्ड जनरेटर। एक और है जनाब keyword.io, इसको भी खोल लिया मैंने, चार चीजें खोल ली है, मैं आपके सामने इनका लिंक पेस्ट कर रहा हूं, कंट्रोल सी, मेरी मेल कहाँ गई, ओहो भाई वेयर इज माई मेल, कंपोज ये लो जी एचआरएफ, इसके बाद ऊबर सजेस्ट के बाद गूगल कीवर्ड प्लानर लॉग इन करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकना, ये कीवर्ड प्लानर का लिंक बन गया ads.google.com, साइन इन, चौथा आपके लिए keywords.io। बस इस चार के साथ खेलोगे, मेहनत करोगे, अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले, मेरी यही दुआ है, इंशाल्लाह कामयाब होगे। ये लो जी, ठीक है जी, ये मैंने आपके लिए चारों शेयर कर दिए। अब मैं आ रहा हूं वन बाय वन गूगल कीवर्ड प्लानर से, हम खेलना चाहते हैं किसी बात से तो एक आर्टिकल लिखेंगे हम अभी के अभी, उस आर्टिकल में हम कीवर्ड एनालिसिस करेंगे अभी के अभी, उस आर्टिकल में इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं अभी डालेंगे अभी के अभी, वो आर्टिकल ये खुला हुआ है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी ड्राफ्ट करवाया था, मेरे छोटे ने लिखा है, यानी कि उसने स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत की हैं। तो आप कहते हैं ना जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं आपकी इंग्लिश का मसला आज हल कराता हूं।
इंग्लिश से ज्यादा मसला आपको टूल्स यूज करना नहीं आते, ये है। सो आर्टिकल में लिखने लगा हूं 16 प्रूवन वेज टू अर्न मनी। तो अब सर्च मुझे क्या करना है, आर्टिकल में लिखने लगा हूं 16 प्रूवन वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो मैं अब जरा आपकी आपकी एस्थेटिक्स और आपकी सोच को देखना है। 16 प्रूवन वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आर्टिकल मुझे क्या किस किस कीवर्ड्स पे लिखना है, जरा बताइए कीवर्ड्स। फॉरन प्लीज, कीवर्ड्स को आप मोमिना मुझे भी पता है नहीं देता, इसलिए मैंने बाकी की चीजें खोली हैं। थोड़ी देर तो खुश हो जाएं, सब्र कर लें, अच्छा चाय पी लें, मैं हूं ना, तो परेशान क्यों हो रही। अच्छा एक हो गया ऑनलाइन मनी। देखो ये गलती मैं बताना चाह रहा था। अब स्टूडेंट ने कहा 16 प्रूवन ऑनलाइन मनी, यार ये कोई सर्च नहीं करेगा। मनी ऑनलाइन वकार भुट्टा साहब ने कहा, शायद लोग सर्च करते हो। हाउ टू अर्न ऑनलाइन, खुशार ने बोला, ये हमारी बहुत रेगुलर यूजर है, ये भी हो सकता है यूज करते हो लोग। ऑनलाइन मनी, जवेरिया ने कहा, पता नहीं लोग यूज करते नहीं करते। तो हम तो कंफ्यूज हो गए ना भैया। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, नादिया जी ने बोला। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा ना कि ये लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो जब हमें ये मालूम पड़ गया कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो फिर उन कीवर्ड्स को बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी, बेस्ड ऑन देयर सर्च, दो बातें हैं सिर्फ, अभी देखते हैं वो क्या है। बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी, याद है ग्रीन एरिया में जो फॉल कर रहा है, जो हमने डिजिटल मार्केटिंग में रिसर्च की थी। एंड बेस्ड ऑन देयर वॉल्यूम, 100 से ऊपर है, 100 से नीचे है। अगर ये हमें एक आइडियल कीवर्ड मिल जाए जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, अगर हमें एक आइडियल कीवर्ड मिल जाए जिसको 200 बंदा भी मिसाल के तौर पे महाना सर्च करता है, अगर आप उसको रैंक कर पाए, और अगर मिसाल के तौर पे वो कीवर्ड है मेक मनी, मिसाल के तौर पे, तो एन मुमकिन है कि मेक मनी फ्रीलांसिंग भी रैंक हो जाए, एन मुमकिन है मेक मनी ब्लॉगिंग भी रैंक हो जाए, एन मुमकिन है मेक मनी यूट्यूब भी रैंक हो जाए, प्रोवाइडेड फ्रीलांसिंग का भी कीवर्ड यूज किया हो, ब्लॉगिंग का भी कीवर्ड यूज किया हो, यूट्यूब का भी कीवर्ड यूज किया हो। इसको सोचें, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लुक एट, कि छोटे कीवर्ड पे फोकस करो, जब वो रैंक हो गया तो आपका बड़ा कीवर्ड भी खुद ब खुद रैंक हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। तो आओ देखते हैं फिर, गौर करते हैं कि कैसे कीवर्ड होता है। हम आगे जी अपने आर्टिकल की तरफ, कितने गया जी साड़ा आर्टिकल, आ रहा प्रूवन वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। क्या अर्न मनी ऑनलाइन सर्च किया जाता है या मेक मनी ऑनलाइन, छोटे ने तो लिख दिया। अब मेरा काम है ना इसको सर्च इंजन के तौर पे तैयार करना, ताकि मैं जब ब्लॉग पब्लिश करूं तो ये रैंक भी हो, या एटलीस्ट अपने आप को चांस तो दूं ना मैं रैंक करवाने का। तो मैं जा रहा हूं कीवर्ड पे और मैं कहता हूं ये अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है जी, अमेरिका ही सिलेक्ट करूंगा मैं। फाइंड वर्ड पे सिलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम अ सुपरमैन। इसने कहा यार ये देखिए जनाब, इस तरह के कीवर्ड्स हैं आपके पास। अब परेशानी ये है कि ये 55 से ऊपर हैं, इनका कीवर्ड डिफिकल्ट, यार आई एम सॉरी, स्क्रीन शेयर है, हाँ शेयर, तो 55 से ऊपर है डिफिकल्टी, रैंक नहीं होने पाए, जो मर्जी कर लू मैंने रैंक नहीं होना। हालांकि सर्च वॉल्यूम 21,000 है अर्न मनी ऑनलाइन। तो चूंकि मेरे छोटे को नहीं पता था, अब गौर से सुनना और इसको अपने हिसाब से फिट कर लेना, ये गोली मैं दे रहा हूं, अपने हिसाब से फिट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मेरे छोटे को नहीं पता था कि अर्न मनी ऑनलाइन बहुत मुश्किल कीवर्ड है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम 21,000 है अमरीका में, हैं जी अमेरिका में। तो उसने आर्टिकल लिख दिया, और आप और आपके समेत 99% बिगनर्स बस फिल बदी कंटेंट लिख लेते हैं, ये सोच के कि अर्न मनी ऑनलाइन रैंक हो जाएगा। हालांकि उसकी इतनी डिफिकल्टी है कि उस पर बहुत बड़ी साइट्स रैंक हुई नहीं। जब डिफिकल्टी हाई होती है ना, तो इसका मतलब है कि आपके कंपटीशन में बड़ी साइट्स हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, जिनमें ज्यादा ट्रैफिक है, जिनको गूगल ज्यादा पसंद करता है।
अब गूगल किन साइट्स को पसंद करता है? गूगल उन साइट्स को पसंद करता है जो प्योरली बेस्ड ऑन ट्रैफिक एंड बैकलिंक्स है। बैकलिंक्स हम आखिर में आएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं। उस दिन भी आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, पर ट्रैफिक कैसे आ रही है भैया? मुमकिन आप ब्रांड है, अब कोका कोला कुछ लिखेगा तो जाहिर है हजारों लोग करोड़ों लोग देखेंगे, क्योंकि कोका कोला ने लिखने के बाद कुछ भी नहीं करना, उसने शेयर करना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और सोशल सिग्नल्स आए तो गूगल कहेगा एक वक्त में उफ इतना बंदा आ गया, ये कौन है भी, रैंक कर देगा उसको। कीवर्ड कोका कोला, डोमेन रेलिवेंसी कोका कोला डॉट कॉम, क्योंकि उसका यूआरएल भी यही है। सो तय ये पाया कि सबसे बड़ा फैक्टर ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी में मैटर करता है आपकी ट्रैफिक। तो ट्रैफिक अच्छी लाएं तो अच्छी हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे इधर ही रुकते हैं, मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या है? चेक वेबसाइट डोमेन पेज अथॉरिटी, चलें इसको देख लेते हैं। ये सरसरी सा टॉपिक मैं कवर कर लेता हूं आपके लिए। दोबारा एचरेफ पे चलते हैं जी। डोमेन है जी https://beingguru.com। देखते हैं जी, चेक करता हूं मैं कि मेरी वेबसाइट गूगल को पसंद है कि वो कहता है आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी देखो एरिया रेड एरिया में 38 मेरी डोमेन रैंक रेटिंग है, 908 मुझे साइट्स रैंक कर रही हैं, 17,980 ठीक है जी, वाह जी वाह, ना मेरी वेबसाइट बुरी नहीं है, ठीक है जी, इट्स नॉट बैड। लेट्स सी, लेट्स लुक एट माय कंपेटिटर्स प्रो पाकिस्तानी फॉर डिस्कशन सेक। वो ग्रीन एरिया में और 70 में या 60 में फॉल कर रहा होगा जी, क्योंकि वो देखा 70 में मैंने देखा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इसको बहुत सारा इंटरनेट की वेबसाइट्स ट्रैफिक भेज रही हैं। जब भेज रही हैं इसको तो ये पॉपुलर है, ये गूगल पे रैंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो हायर द डोमेन अथॉरिटी और कीवर्ड के एनालिसिस में हायर द खेडी, तो इसका मतलब है कि वो जो डी ए हायर साइट्स थी ना, जैसे प्रो पाकिस्तानी का मैंने जिक्र किया, एन मुमकिन है कि वो इस अर्न एंड मनी ऑनलाइन में रैंक कर रही हो और मैं उसको बीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी साइट है। ऐसे समझे मैं 10 साल का बच्चा, नन्ना मुन्ना राही, कमजोर सा, और मैं एक्सपेक्ट आप मुझसे कर रहे हैं कि मैं 40 साल के हट्टे कट्टे जवान से कुश्ती लड़ूं। मैं हार जाऊंगा ना, बल्कि मेरी हड्डियां भी तोड़ देगा। लेकिन अगर मैं अपने ही एज ग्रुप में कंपटीशन लड़ूं, अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट बाय प्लेइंग गेम्स, मतलब बहुत लंबा वही वर्ड है, अर्न मनी ऑनलाइन बाय टैपिंग पे, अच्छा मैं अर्न मनी पर रुका ही क्यों हूं, जिद क्यों है, इसको मेक मनी नहीं किया जा सकता? अब चेंज करते हैं, हमें पता लग गया अर्न मनी में बहुत लड़ाई है, हमारे बस का काम नहीं, हमारी पसली इजाजत नहीं देती इस लड़ाई को लड़ने की, तो हम मेक मनी पे चले जाते हैं। अब मेक मनी की सूरत हाल क्या है? कदरे बेहतर है। How to make money online as teen? 39 green area, 3.7 volume, good chance. As a matter of fact, how to make money online for beginners? 42, 9.6k, good chance. तो फिर तय क्या पाया यहां पे? तय ये पाया कि मुझे relevant words चाहिए थे money online से related, है ना? अकल तो ये कहती है ना, मैं मेक हटा देता हूं, अब मैं मनी ऑनलाइन से देखता हूं क्या जी कहानी नजर आती है, और फिर मैं इससे रेलिवेंट कीवर्ड आइडियाज लूंगा नील पटेल पे जाके। तो मेक मनी ऑनलाइन पे मनी ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया। अब यहां पे जितना भी नीचे वॉल्यूम खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरा फ्री है ना, केडी कम दिखा रहा है फ्री में, जब मैं फुल पेड करूंगा तो हरे का केडी दिखाएगा। पर अकल क्या कहती है, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं 350, यार ये इसका डिफिकल्टी कम ही होगी क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम कम है। अर्न मनी ऑनलाइन, एक्स्ट्रा मनी ऑनलाइन, हाउ टू ट्रांसफर मनी ऑनलाइन, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, यार अब मुझे कोई बात पसंद आई।
इस वेज टू मेक मनी ऑनलाइन को मैं पिक कर रहा हूं और मैं और कीवर्ड आइडियाज लेना चाहता हूं, तो मैं चला गया keyword.io पे, जिसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। वेज टू मेक मनी ऑनलाइन पे मैंने सर्च कर दिया। अब जरा मैं तमाशा देखता हूं आगे क्या कहानी है। तो ये कहता है यार, नो थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपका। ये कहता है यार, ये बड़ी अच्छी तरीके है, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। मैं क्लिक कर रहा हूं, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, बेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अर्निंग भी आ गया और मेक भी आ गया, ये तीन कीवर्ड्स मुझे पसंद आ रहे हैं यार। अब मुझे पसंद आ रहे हैं ना, कि मुझे लगता है मैं आसानी से इनको शायद रैंक कर जाऊं। अब मुझे देखना है भाई इनकी डिमांड, क्योंकि पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने लोकल बात कर रहा हूं। मैं अमेरिका से मेन कीवर्ड लेके आया था, मैं आ गया हूं पाकिस्तान पे, मैं जा रहा हूं जनाब कीवर्ड प्लानर पे। वैसे ये सारे काम अगर आपका एचआरएफ का पेड टूल हो ना तो आसानी से एक ही जगह पे हो जाते, पर अब चूंकि नहीं है हमारे पास, आप लोग बिगनर्स हैं तो आपको मैं बेसिक सारे टूल्स बता रहा हूं, वरना तो एचआरएफ में बैठ के जिंदगी गुजार है, एक ही टूल बहुत है। यार ये तो चल रही है स्क्रीन की, नहीं चल रही? हाँ चल रही है, चल रही है, चल रही। ओ बल्ले, पैसा पैसा, खुशी होगी है भाई को। अच्छा गौर से सुनिए प्लीज, गौर से सुनिएगा, तो जो चाहता हूं। लो जी कीवर्ड पे जाता हूं मैं, कीवर्ड कहां था, ठीक है तेजी, कीवर्ड प्लानर। लो जी कीवर्ड प्लानर पे मैंने क्लिक किया। अब मैं जाके डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ये फ्री है गूगल का। अब मैं जोर आजमाई करूंगा पाकिस्तान में, इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन गेट रिजल्ट। अब मैं बता रहा हूं, अगर मेरे पास एचआरएफ का पेड टूल होता तो मुझे इधर ही पता लग जाता, लेकिन नहीं है, तो नो प्रॉब्लम ब्रो। यार ये तो कीवर्ड मैं अच्छी तरीके से रैंक कर सकता हूं। कहता है कि 10 से 100 के बीच में मीडियम कंपटीशन है, इजी मनी ऑनलाइन, क्विक मनी ऑनलाइन, मेक क्विक मनी ऑनलाइन। हाँ, और वो कीवर्ड उठाना जिसके आगे पैसे नजर आ रहे हो, इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा जब मैं एडसेंस पे आऊंगा, तो अभी सबर करो। अभी सिर्फ ये समझो कि गूगल कीवर्ड प्लानर में वो कीवर्ड उठाना जिसके आगे पैसे नजर आ रहे हो, ठीक है जी। तो जरा मैं जरा लो बादशाहों की तरफ हूं जिसमें लो हो, ये आया ना, आया ना साइंसदान। बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, लो कंपटीशन है, 10 से 100 के बीच में है और पैसे नजर आ रहे हैं, यानी कि गूगल एडसेंस पे लोग इस पे पैसे लगा रहे हैं। लो जी इसी चाल है, इस नो कंट्रोल सी, मैं आ गया वापस अपनी ईमेल पे, कंट्रोल वी, बेस्ट वे मेक मनी ऑनलाइन, ओके नो प्रॉब्लम। और देखते हैं, और कीवर्ड देखते हैं, चल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। सो कीवर्ड एनालिसिस पे ना 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल मेरा सबसे ज्यादा टाइम, मैं तो खैर खुद नहीं करता, अब मेरी टीम करती है, पर सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगता है, क्विक वे टू मेक मनी ऑनलाइन। लो जी दो मैंने फिलहाल सेलेक्ट कर दिए टाइम बचाने के लिए, बाकी तो आप करते रहना। अब मैं जा रहा हूं, पहला पिक किया बेस्ट वे मेक मनी ऑनलाइन, गया मैं नील पटेल पे, आखिरी रह गया उसको भी चेक कर लूं मैं, लगे तो सर्च किया जी, देखता हूँ ये मुझे करने देता कि नहीं करने देता, कुछ लोड तो कर रहा है, खुल जा सैमसंग। वैसे इसकी साइड से ज्यादा तेज बीइंग गुरु लोड हो रही थी, पन इंटेंडेड। अब यहां पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है जी कीवर्ड ओवरव्यू, जो इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया। कहता है यार कोई जून से ना, जून जुलाई से है, जुलाई से इस कीवर्ड में ऑल ऑफ अ सडन डिमांड आ गई है, क्योंकि पेंडेमिक में लोग अब इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाने। मुझे कहता है कि टोटल सर्च वॉल्यूम है 6600, कहता है ग्रीन एरिया में फॉल करता है, इजीली रैंक कर जाएगा तू एसईओ डिफिकल्टी, और कॉस्ट पर क्लिक 1.80। ये डिफर करता है एनालिटिक्स नील पटेल का विद गूगल प्लानर, पर मैं आइडिया लेना चाह रहा हूं, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं बंदे पे नहीं बिलीव करता जो बंदा अपनी बात से मुकर जाए। मेरे साथ इसने लाइव आना था, मुकर गया। बहरहाल टूल इसका अच्छा,
कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करता हूं। अब मैं कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक कर रहा हूं तो ये मुझे ना इस कीवर्ड से रिलेटेड और आइडियाज देगा, जो कि कह रहा है अभी मूड नहीं है कल आना। मैं बेस्ट वे हटा रहा हूँ, मेक मनी ऑनलाइन पर जा रहा हूँ, फिर कीवर्ड आइडियाज। यार इसकी साइट में यही मुसीबत है ना, चलते चलते ड्राउन हो जाती है, मुकर जाता है ये। बहरहाल बहरहाल मुझे एक रफ आइडिया इसके पहले वाले रिजल्ट से आ गया था, जब तक ये मुझे फ्री में इजाजत दे रहा था मुझे एक रफ आइडिया मिल चुका है। तो इस रफ आइडिया से अच्छा इधर कह रहा 2 out of 3 डेली सर्चेज अवेलेबल और वैसे नहीं चल रहा, कमाल है ना नालायक। आओ जी मैं वापस आता हूं, अब मैं आ रहा हूं मेक मनी ऑनलाइन पे, कीवर्ड प्लानर पे हूं। हाँ मुल्क मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पाकिस्तान, सर्च होने दो इसको। तो वेज मेक मनी ऑनलाइन में अब इसने मुझे बताया कि ये सर्वेज भी आ रहे हैं, सर्वे फॉर कैश भी आ रहा है, मेक मनी ऑनलाइन पेपैल भी आ रहा है। नो वंडर हम यहां से पेपैल सर्च कर रहे हैं, कमाल है ना। हम भी मेक मनी ऑनलाइन फास्ट भी आ रहा है, बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, घूंग मां के बात इधर ही आ रही है। लो जी फिर हमने भी नहीं देखना, कंट्रोल सी और वापस आके मैच करते हैं। लो जी वही बात वापस आ गई, बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, कंट्रोल सी किया मैं गया अपने ब्लॉग पे। अब अर्न मनी ऑनलाइन मेक मनी ऑनलाइन कितना फर्क पड़ता है, समझो मेरी बात को। प्रूवन वेज को चेंज कर लिया मैंने, सिक्सटीन बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन इसको वेज कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो तय हो गई कि मेरा कीवर्ड है बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, ओके। अब इस कीवर्ड को मुझे इंक्लूड करना है अपनी कॉपी पे, ये कॉपी है मेरी, कंटेंट है। अब मैं मेजर पार्ट पे जाने लगा हूं, तवज्जो तलब है देवी और सजनों। मोस्ट पीपल ऑन द इंटरनेट मूव इन द फॉर्म ऑफ वन बिग हर्ड, सदके जामा तेरी अंग्रेजी। अच्छा दे फॉलो वन टिपिकल रूट, स्पेलिंग मिस्टेक देखिए हाईली, मैं इसको देखता रहूंगा और एक एक ठीक करूंगा। फिर नीचे आया फॉर द बिजनेस पर्पजेज, इतना ना मुझे भी पता पर्पजेज था लेकिन इसको नहीं पता। ऑन डिमांड के बीच में एन आ रहा है, फिर जनाब बट नहीं जरूरत थी वो कहता है। मैं पहले स्पेल मिस्टेक सारी ठीक कर लूं। ग्रामरली विजिट है फॉर दी कंप्लीशन, यार सुबह इसको छोड़ूंगा नहीं, छुट्टी है चलो कोई नहीं परसों से। अट्रैक्ट द मोस्ट ट्रैफिक, ग्रामरली विजिट है बॉस, फ्री का विजिट है, इंस्टॉल करें। ये जो ऊपर जी नजर आ रहा है ये ग्रामरली है और ये आपकी सारी अंग्रेजी की मिस्टेक्स ठीक कर देगा। फॉर दी फर्स्ट, ये मेरा न्याय इन्होंने वो करवा दिया बैकएंड, जब लास्ट टाइम मैंने स्क्रीन शेयर की थी आपको याद होगा वो बैकएंड फर्क था, इन्होंने ना सेल यूर टाइम, सेल यू टाइम। इंग्लिश देखें जरा इसके, इट अलाउज दी कंपनीज। अब इसके अंदर हमने कीवर्ड्स इंक्लूड करने, उस पर हमने वापस जाना है अभी। बिकम एन बिकम बड़ा जॉब्स फॉर आई डोंट नो व्हाट डज इट कीप गोइंग बैक टू द टॉप वर्चुअल असिस्टेंट्स। ये मैं उससे पूछूंगा कि क्या किया इन्होंने, क्योंकि अपग्रेड किया ना इसको तो बहुत। मैं सुबह भी एक पोस्ट डाली है, इट वॉज कमांड ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैव ए यूनिक, ऐसा ठीक कर लेता हूँ बट आई फाइंड आउट इन्होंने क्या किया। गुड एट हीमा कॉमा और साइंस एंड एवरेज, सो आई एम rectifying the spelling mistakes. And if for a blog to have a spell mistake, आप गूगल को कह रहे हैं कि किसी एरा गैरा नथू खैरा ने लिखा है तो अंग्रेजी की गलती बहुत है, इंग्लिश इज नॉट हिज फर्स्ट लैंग्वेज, टू रैंक ना कर मुझे। याद रखिएगा
करेक्ट ग्रामर भी इतनी ही मैटर करती है जितनी तेज वेबसाइट, इजी लोडिंग वेबसाइट, ये सब मैटर करती है। चलें जी, मैंने तकरीबन सारी गलतियां निकाल दी हैं, अब मैं ये सारे वेज हैं इनको वन बाय वन ठीक करूंगा। पर उससे पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें ठीक करनी है जो कि मेरे सर्च इंजन से रिलेटेड है। टॉप पे देख रहे हो तुम लोग, इधर ही हो, हाँ इधर ही हो। अच्छा, स्क्रीन से कमेंट रिमूव कर दूं, हाइड करंट, ये लो जी। अब यहां पे देखना यार, ये पता नहीं इन्होंने क्या किया, पर बहरहाल मैं जाहिर खुद टेक्निकल तो नहीं हूं। जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना कि वर्कचेस पे जाके एक साइट बनवा लो किसी से, तो मेरे पास टीम है, वो ये वर्डप्रेस वगैरह सारे काम करती है। बट एनीवेज, फॉर नाउ इट इज वर्किंग फाइन, तो इतना मसला नहीं है। आओ जी, मुझे इस ऊपर नजर आ रहा है ये 68 out of 100, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसके ग्रीन एरिया में पहुंचना है। ये विजेट मैंने खुद लगवाया था आज से 2 साल पहले। इस विजेट का नाम है, लिख लीजिए, वर्डप्रेस का ये प्लगइन है, ऑल इन वन एसईओ पैक। दो किस्म के प्लगइन्स बहुत फेमस हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट की एसईओ के लिए। एक का नाम है योस्ट, YOAST, और दूसरे का नाम है ऑल इन वन एसईओ पैक। मैं ये यूज करता हूं। मैं यूज क्यों करता हूं, क्योंकि मेरी साइटें रैंक हो रही है, तो मैं इट वर्क्स फॉर मी। पता है ना, योस्ट की बहुत तारीफ सुनी है, पर मैंने यूज नहीं किया। अब यहां पे आप देख रहे हैं, वो कहता है कि तुम्हारे ये एरर्स हैं, बेसिक एसईओ 2 एरर्स हैं। तुमने इंटरनल लिंक नहीं रखा हुआ भाई, गूगल कहता है इंटरनल लिंक दो। कंटेंट की लेंथ कहता है बहुत अच्छी है तुम्हारी, मगर मैं खुश हुआ। फिर कहता है एक्सटर्नल लिंक, यानी किसी बाहर वाली साइट को लिंक नहीं दिया हुआ, वो भी 1-2 दे दो तो कोई हर्ज नहीं। फिर कहता है मैटर डिस्क्रिप्शन, यानी कि गूगल को जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है, वो टाइटल और इसमें आएगी। अब मैं टाइटल पे आता हूं जी, कहता है एसईओ टाइटल लेंथ, द टाइटल इज टू शॉर्ट, टाइटल इज टू शॉर्ट, विच एक्चुअली इज नॉट करेक्ट। पर यहां पर यह गौर कीजिएगा, पैसिव वॉइस टोन बहुत मैटर करती है आपकी राइटिंग में। अगर आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस का फर्क हो तो उसको वो सर्च इंजन में बहुत वे इन करता है। एक्टिव का मतलब है आई एट एन एप्पल, और पैसिव क्या है, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, लंबिया करके लगाना। तो ये कहता है तूने लंबी करके लगाई है, पैसिव वॉइस है। पर बहरहाल ग्रीन एरिया में, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। यहां पे कुछ चीजें हैं एडवांस पे क्लिक करने से मुझे मिल जाएंगी। वो कहता है यूआरएल क्या है, मैं कहता हूं यूआरएल तो आप ये बनाए, बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, खत्म बात। फिर कहता है कीवर्ड क्या है, मैं कहता हूं जी मैं बताता हूं ना, वो सारे कीवर्ड जो मैंने इधर पकड़े हुए हैं इस टैब में, मैं इनको कॉपी करने लगा हूं बस। वो सारे कीवर्ड, चाहे मैं एचरेफ से उठा लूं, चाहे मैं कहीं से उठा लूं, वो मेरे लिए काम करे। पर याद रखिएगा, मेटा टैग्स गूगल के लिए है, वो इंसानों के पढ़ने के लिए नहीं है, इट्स अ गूगल थिंग, राइट। सो अगर आप गूगल के लिए लिखना चाहते हैं तो मेक श्योर के आप मेटा टैग्स अपनी साइट पर रखें। वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, मैं कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके मैं चला गया साइट पे। सर यार इसको इधर रख लूंगा, मैं बार बार मुझे ढूंढना पड़ रहा है मुझे। तो ये मैंने एक कीवर्ड लिख दिया, एंटर मारा, वो कहता ओके। फिर वापस जाता हूं और कीवर्ड ढूंढता हूं जो लो डिफिकल्टी वाले हो ना, जो मुझे आसान लग रहे हैं। मेक मनी ऑनलाइन टूडे, इसको भी मैं कीवर्ड में यूज करूंगा। तो पहले मैं इधर भी लिखता जाता हूं भाई, ये लो जी इधर भी लिखता जाता हूं, और टैग्स में भी पॉपुलेट करता रहूंगा। दूसरा टैग बन गया जी, ठीक है जी। फिर दोबारा कीवर्ड ढूंढूंगा, इजी वे, साथ साथ मेरा क्लाइंट भी लगा हुआ है। यार ये अरबी है और इतने दिमाग की दही है। अर्न एक्स्ट्रा मनी ऑनलाइन,
I like this. I'm going to use it for sure. Copy. Paste. और टैग्स पे भी डाल देता हूं जी. ठीक है जी. पांच छह और ढूंढ लेते हैं और फिर ठीक करते हैं और पब्लिश कर देते हैं. ब्लॉग पोस्ट हो गया और कार्रवाई खत्म. तो मेरे ख्याल में 20 मिनट और लगेंगे. इंतजार फरमाइए. पुराने जमाने में वो टीवी में आता था ना, पीटीवी में, इंतजार फरमाइए वाला. एक्स्ट्रा मनी ऑनलाइन, इसको भी मैं कहीं यूज करूंगा. अर्न एक्स्ट्रा मनी ऑनलाइन, चलो वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है. ठीक है जी. क्विक मनी ऑनलाइन, क्विक मनी ये भी मैं यूज कर लूंगा. ओके हेलो जी. एक दो और सही लगे हाथों भागते. चोर चोर की लंगोटी ही सही. हाउ मेक मनी ऑनलाइन फ्री, हाँ दैट्स इंटरेस्टिंग. लेकिन इसको टाइटल में होना चाहिए था. लेकिन चलो देखते हैं अभी. मेक मनी ऑनलाइन फ्री. सो ये आखिरी कीवर्ड है, टाइम की बचत, क्योंकि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है. कीवर्ड्स मैंने पॉपुलेट कर दिए बॉस. ठीक है जी. अब स्कीमा चुके मेरा पेड वर्जन नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता. जनरल पे आता हूं. तो जनरल में अब बहुत सारी चीजें ठीक होगी. और ऊपर आप देखिए 68 नजर आ रहा है मुझे. मुझे ग्रीन एरिया में फॉल करना है जी. ग्रीन एरिया में अगर मैं फॉल कर गया तो जिंदगी गुलजार है. वो हम देखते हैं कैसे होगा. फोकस की फ्रेज, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट ऑल इन वन एसईओ. मेक मनी ऑनलाइन इज माय फोकस की फ्रेज. ठीक है जी. सो दैट्स व्हाट आई एम गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ energy. And all of a sudden you see by populating focus keyword key phrase, to yaar ye 77 pe chala gaya. Abhi main isko green pe leke aata hu. Koi pareshani nahi hai, inshallah unhi leke aana. Wapas advanced tool pe jata hu ji. Ab is advanced tool pe maine dekhna hai ki main frequency aur reverb default, ye in cheezon ko aapne nahi chhedna. Ye jo by default padi hui hai, khudara inke sath panga na kijiyega. Wahi lal button dekh rahe ho, daba diya. नहीं दबाना था. तो ये स्कीमा पेड वर्जन में ये नहीं आपके किसी काम का. सोशल ये दिखा रहा है कि अगर सोशल शेयर होगा तो ये कैसे लगेगा. अब इसमें टाइटल भी है और इसमें डिस्क्रिप्शन भी है. तो मैं अभी चूंकि स्निपेट बनाने लगा हूं, जो इस तरह गूगल पे नजर आता है उसको स्निपेट कहते हैं. तो वो कहता है पोस्ट का टाइटल दो सबसे पहले. अब पोस्ट का टाइटल अगेन जो मेरा मेन कीवर्ड था, मेरा मेन कीवर्ड मेन कीवर्ड क्या था, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन. बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन. ओके कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये टाइटल लग गया. अब डिस्क्रिप्शन भी देने पड़ेगी. अब डिस्क्रिप्शन में मैं जरा एक सेकंड ये पेस्ट कर लूं जो मैंने कॉपी किए हैं. एक्स्ट्रा, अब गौर करना, एक्स्ट्रा टुडे क्विक फ्री, इनको मैंने इंक्लूड करना है क्योंकि ये चार कीवर्ड हैं जिन पर मैं फोकस कर रहा हूं. गौर कर रहे हो मेरी बात पे, ये चार, इनके साथ मैंने कार्रवाई करनी है अभी जो भी करनी है. तो वापस आया मैं, इधर मैंने किया डिस्क्रिप्शन. अब मैं इनको यूज करने लगा हूं, डिस्क्रिप्शन लिखने लगा हूं. यानी कि एक दो लाइनों का पैरा होता है. आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट वेज, डिस्क्रिप्शन में तो कैप्स नहीं आ सकती ना, ये टाइटल थोड़ी है. टू मेक मनी ऑनलाइन, आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन.
आर यू स्ट्रगलिंग टू मेक एक्स्ट्रा कैश क्विकली? कोई बात नहीं, ग्रामर से हो जाता है. Are you looking for best ways to make money online? So don't be greedy. यार ये अरबी बड़ी खतरनाक थी. अच्छा, are you struggling to make extra cash quickly? Free कितने यूज करा एक सेकेंड. Are you struggling to make Here are 16 ways to make money online. To make free money online. Free money online. अच्छा जी, are you looking for best ways? अच्छा दा कर देता हूँ यार, कोई मसला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Are you struggling to make extra cash quickly? Here are 16 ways to make free money online. लो जी भजन, अब देखो मैं करता गया हूं इसके साथ. ये पार्ट मेरा खत्म हो गया, होगी रिपोर्ट है, इसको किया कैंसल. 77 पे पहुंच गई है बात. अब हो जी इसको ठीक करें, दो चार इंटरनल लिंक दें, दो चार एक्सटर्नल लिंक दें. सो बैठे हो कि भाग गए हो? न लैको बैठे हो, शुक्र है. अब एक ही स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए. स्टॉप, क्योंकि अब मैंने बेजर काम तो कर लिया ना. हाँ ना यार, ये बड़ा अरबी क्लाइंट है. इसके साथ वुड यू गाइस बिलीव आई हैव डन बिजनेस ओवर $100,000 इन लास्ट 10 इयर्स. 10,000 का इन एवरी टाइम. ही इज इन अरबिक, ही डजंट स्पीक इंग्लिश वेल, एंड वी प्ले टॉम एंड जेरी एवरी सिंगल टाइम. इतना मजा आता है, मेरी टीम हंसती है कि सर आ गया आपका टॉम. तो इन हिज केस आई एम जेरी, ये टॉम है. आई एम द नॉटी वन, मैं इसकी जान खाता हूं. मैं से जब पैसे मांगता हूं तो ये सो कहता है, भाग जाता है ना, काम खत्म हो गया. ये कहता है ओके आई विल गिव यू. तो मान लो अरेबिक जो लोग समझते हैं ना, वो टी को ती इस तरह बोलते. तो यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद मी. मैं और की कोऑपरेट करा, इन्ना कुछ तो कर देता तेरे वास्ते. अच्छा, फिर रात को अगले दिन आता है, थोड़ी गर्मी सर्दी होती है हमारे बीच में, सो जाता है ना. कहता ओके आई हैव गॉट ब्लड प्रेशर, आई विल सी यू टुमारो. चला जाता है. मैं कहता चल जा तू, तू कौन. अगले दिन सुबह आता है, ब्रदर आई एम सॉरी बट आई थॉट दैट माय बिहेवियर यस्टरडे आई वाज वेरी रूड. मैं कहता यस यू वर, नो एटलीस्ट यू शुड नॉट से आई एम रूड. अब जैसे कह रहा पेपॉल में तुझे मैंने पैसे दिए, तूने मुझे थैंक यू क्यों नहीं किया. लाखों रुपए दे चुका है और हर दफा इसको थैंक यू की एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है. तो दिस इज हाउ फनी द क्लाइंट्स आर. अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं एक स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे जब वापस इधर आता हूं ना तो बड़ा अजीब सा हो जाता है. ये आ जाओ यार इधर आ जाओ. अच्छा, वीडियो को लाइक करना यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करना. वीडियो को लाइक करो. मेटा टैग की लिमिट जो है ना, जो मैंने लिखाई असद भैया, बस यही बहुत है, इसी को फॉलो कर लो. मैं तो एक्सपीरियंस से सीख चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन दो लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टाइटल अच्छा सा होना चाहिए, उसमें कीवर्ड होने चाहिए, और टैग्स में वो तमाम कीवर्ड जिनके बारे में आप आर्टिकल में लिखना चाहते हैं उनको इंक्लूड करें. मरीज अली साहब, हम एडसेंस पे आई नहीं तो आप किताब के आखिरी चैप्टर पे क्यों पहुंचना चाहते हैं? कुछ समझ लगी मेरे भाई को? ठीक है जी, तो आप किताब के आखिरी चैप्टर में क्यों पहुंच रहे हैं? सब घर वालों से लाइक करा चुका हूं. जीशान ये बिल्कुल ठीक आदमी है. मैंने कहां से सीखा? बस मार खा खा के सीखा यार, ना पूछो. अब सुनो जरा, एसईओ सिखाएं सर, सिखाते हैं ना जी, एसईओ सिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, इसी को तो एसईओ कहते हैं. कीवर्ड एनालिसिस, ब्लॉग में कीवर्ड इंक्लूड करना, फिर उसको पब्लिश करना, सोशल मीडिया सिग्नल लेना, उसके बाद बैकलिंक लेना, और उसके बाद बात खत्म.
लो सीख लिया, और दसो। वीडियो लाइक करो, चुप करके सुनो जो मैं समझा रहा हूं, ज्यादा एफिशिएंसी नहीं, खामोश। ये लो जी, उनकी करना है, उन्होंने कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं हमने, जो हमने चारों अलग से लिखे थे। वो चार कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं, वो आपके सामने मैंने उधर रखे हुए थे। तो मोस्ट पीपल ऑन द इंटरनेट मूव इन द फॉर्म ऑफ वन बिग हर्ड। याद रखना, पहली लाइन में आपका मुद्दा बयान होना चाहिए, है जी, पहली लाइन में मुद्दा बयान होना चाहिए। आर यू, वही कहानी जो टाइटल पे लिखी थी, आर यू लुकिंग टू मेक मनी ऑनलाइन, आर यू स्ट्रगलिंग टू फाइंड फ्री वेज ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा कैश ऑन द इंटरनेट। टुडे, यहां से टुडे करेंगे, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू 16 बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। लो जी, कहानी मुक गई भाईजान, इसी को मैं कहीं नीचे भी इंक्लूड करूंगा। अब मेक मनी ऑनलाइन एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मेरी कहानी में। मेक मनी ऑनलाइन एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है मेरी फिल्म में, तो उसका मतलब मुझे इसको सही तरीके से हाईलाइट करना पड़ेगा। यार मुझे फिर वापस उधर ही जाना पड़ेगा, फुल स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं मुख्तलिफ स्क्रीनों में घूम रहा हूं। ये लो, तो मेरी फिल्म में मेक मनी ऑनलाइन बहुत बड़ा किरदार है, इसको मुझे लिंक देना कहीं। मैंने गूगल किया, मैंने कहा जी बीइंग गुरु पे मेक मनी ऑनलाइन मैंने कहां कहां और कब कब लिखा है, तो मैंने 10 दिन पहले लिखा था हाउ टू मेक 10,000 एंड मोर डूइंग फ्रीलांसिंग ईच मंथ। याशी करो, तुम लोगों के लिए सतरंगी फॉर्मूला और सब कुछ लिखा था, ये लो पढ़ो उतनी देर, ठीक है जी। उसके बाद इसको लिंक देने लगा हूं मैं अपने मेन कीवर्ड को, ये होता है इनबाउंड लिंक। तो लिंक का ये एरिया है, इसको मैंने क्लिक किया, लो जी नवी कहानी। इस नए वाले एडिटर ने मेरा कान खराब कर दिए हैं, ये लो जी कंट्रोल वी कर दिया। अब कंट्रोल वी कर दिया तो विद इन द साइट ही रहेगा, इसलिए मुझे इसको न्यू विंडो में खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। विदाउट एनी प्रेशर एंड प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी। नॉर्मली जब मैं आउटबाउंड लिंक दूंगा तो मैं उसको क्लिक करूंगा ओपन इन न्यू विंडो, एड नो फॉलो लिंक। और मेक मनी ऑनलाइन चूंकि मेरा की मेन कीवर्ड है, तो मैं गूगल को भी टाइटल बताना है मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अभी मैं निचले वाले दो चेकबॉक्स अनचेक कर रहा हूं, खत्म बात। ये लिंक बन गया ब्लू में। अब मैं नीचे चलता हूं जनाब। मोस्ट पीपल ऑन द इंटरनेट मूव इन द फॉर्म ऑफ वन बिग हर्ड, दे फॉलो वन टिपिकल रूल 99% फॉर कॉपी एंड पेस्ट सेम, एंड दे एंड अप फेलिंग इन हाई कमांड एंड डू नॉट मेक मनी ऑनलाइन। यार एक मजेदार कहानी सुनाता हूं तुम लोगों को, बड़ी मजेदार कहानी है। उन्वान है मेरा बेहतरीन दोस्त अमजद। वो एक नलायक सा बच्चा होता है मेरी तरह का ना, उसने एक मजमून याद कर लिया होता है, एक ऐसे याद कर लिया होता है मेरा बेहतरीन दोस्त अमजद। तो होता क्या है कि जब मजमून लिखने की बारी आती है पर्चे में, तो जो उसने याद किया होता है मेरा बेहतरीन दोस्त अमजद, वो उसके बजाय मजमून लिख आ जाता है जनाब खेलना। अब बड़ा परेशान होता है यार, ये तो मैंने कुछ और याद किया था, मजमून आ गया खेलने वाला, उनमें की करा। अब चूंकि होता वो रटेबाज है, तो वो क्या करता है, मैं जहाज पे बैठा, जहाज उड़ा, जहाज हमारे मोहल्ले के ऊपर से उड़ा,
मल्ले से ऊपर से उड़ रहा था, मैंने शीशे से देखा तो हमें हमारा प्लेइंग एरिया नजर आया, हमारा ग्राउंड नजर आया, वहां पे क्या देखता हूँ, मेरा बेहतरीन दोस्त अमजद क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर वही कहानी फिट कर देता है। तो ये जो कीवर्ड वाली बात है ना, इसको ओवर स्टफ नहीं करना, ये नहीं कि बस मेक मनी ऑनलाइन मेक मनी, अपने अल्फाज में लिखना है ताकि इंसान भी पढ़ सके और कंप्यूटर भी इंडेक्स कर सके। जब आप इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार छापते हैं, इसकी डेंसिटी जो है वो ओवर पॉपुलेट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं सर्च इंजन की टर्म में ओवरकिल। ओवरकिल करने से गूगल समझता है कि ये मुझे स्पैम कर रहा है, फिर जब स्पैम कर, इसका मतलब वो आपको बैन कर देगा, वो आपकी रेटिंग खराब कर देगा। मकसद तो ये है ना कि आपने अपनी पेज अथॉरिटी बढ़ानी है। सो ओवर स्टफ नहीं करना, तीन दो तीन बस बहुत है, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं। तो आए जी, दो जगह तीन जगह पे लिख दिया हमने, एक टाइटल में भी आ गया, मेन कीवर्ड हमारा यही है। वो आर इनसेनली मेकिंग गुड मनी, गुड मनी ऑनलाइन। ठीक है जी, एक दफा फिर यूज हो गया जी। मैंने असल में पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको इतनी देर से नहीं, डिटेल से नहीं चलूंगा। ब्लॉग की बात हो रही है जी। अब ब्लॉग पे कीवर्ड है मेरा, मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं बीइंग गुरु पे ब्लॉग्स लिखता हूं, तो मैं बीइंग गुरु पे जाके ब्लॉग सर्च करूंगा और एक ऐसा लिंक जिसके व्यूज अच्छे हैं, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग इन 2021, या आपकी असाइनमेंट में भी है जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने कॉपी किया इसको भैया, मैं गया वापस इस लिंक पे मैंने पेस्ट किया और खत्म बात। यहां पे मैं सिर्फ टाइटल लिख दूं, मेक मनी ब्लॉगिंग, तो नीचे लिंक है ब्लॉग और टाइटल बन गया मेक मनी ब्लॉगिंग अपडेट। इधर यू ऑप्ट इन एज अ हॉबी और ये ओके, नो प्रॉब्लम। अब अमेजॉन मैकेनिकल, इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट। फीचर गूगलिंग, गूगल एडसेंस, अब गूगल एडसेंस पे भी मैंने बात की है, तो गूगल एडसेंस को मैंने हाईलाइट किया, फिर वापस गया इधर, यहां पे सर्च कर लिया गूगल एडसेंस। मैं तीन से ज्यादा वैसे लिंक इनबाउंड नहीं देता, तो मैं अभी भी तीन ही दूंगा। ये भी आपके आज की असाइनमेंट में शामिल है, डिस्क्रिप्शन में ये दूसरा लिंक है भैया। बहुत शौक था ना तुम लोगों को गूगल एडसेंस लेने का, मैं किधर यार तस्वीर किधर आएगी, वो खान साहब वाली, मैं वो इमिटेशन का अपना ही मजा है, मैं दसना था उसका अपना ही मजा है। आजा जी, तो भाईजान ये गूगल एडसेंस, ये लो जी ये भी लिंक बन गया। अब यहां पे गूगल एडसेंस का मैं ऊपर लिखूंगा, हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड, लो अपडेट कर दिया। अब वो कहता है सेल्फ पब्लिश डिजिटल किंडल बुक्स, एक गदर बाहर भी लिंक देना ना, इतनी कंजूसी थोड़ी, और डू फॉलो दूंगा, नो फॉलो दूंगा। Amazon Kindle मैंने कॉपी किया भैया, वापस गया साइट पे, यहां पे पेस्ट कर दिया Amazon Kindle। लो जी Amazon Kindle का ये लिंक कॉपी किया मैंने, वापस आया अपने ब्लॉग पोस्ट पे, ये लिंक डाला। इसको मैं न्यू टैब पे खोलूंगा क्योंकि एक्सटर्नल वेबसाइट है, ये आउटबाउंड लिंक है। I will make you see the search engine parameter 81 हो गया, एड रिले नो फॉलो, मैंने इसको लिंक नहीं देना। अब यहां पे Amazon Kindle का कीवर्ड मैं टाइटल पे लिख रहा हूं ताकि गूगल को भी कुछ मिले ना, ये इंसानों के लिए नहीं है, गूगल के लिए Amazon Kindle। अपडेट किया ना मैंने, अब ऊपर देखो 81 हो गया। ऑल इन वन SEO कहता है कि दादा तूने सही लिखा है, कम अज कम तू चांस है तेरा रैंक करने का। अब इसमें थोड़ी सी चीजें और हैं मोटी मोटी, मिसाल के तौर पे एक अच्छा इमेज होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल बड़ा अच्छा है, तो इमेज को भी बहुत वे इन करता है गूगल, लेकिन उसके ऑल्ट टैग्स वगैरह डालने पड़ते हैं, तो वो भी मैं आपको लगे हाथों बता दूं यार। फ्री इमेजेस मिलते हैं pexels.com पे, मेक मनी ऑनलाइन, ओके। तो मेक मनी ऑनलाइन के लिए एक अच्छा सा इमेज ढूंढते हैं जो हमें जो वाजिवा वाजिवा
तो पैसा पैसा करती है, तो पैसे भी क्यों करती है। आला जी, सेव मनी ऑनलाइन। अब इसको मैं सेव करने लगा हूं, मेक मनी ऑनलाइन। टाइटल मैंने वही रखा, ओके। इसको किया सेव। अब सेव करने के बाद भैया मैं चाहता हूं इमेज आ जाए। लॉग इन, सेशन एक्सपायर हो गया था, ठीक है जी। अब मैं चाहता था इमेज आ जाए यहां पे, तो मैं यहां पे कहीं इमेज डाल देता हूं। सर यहां पे डाल देता हूं, यहां से सही रहेगा। अब इमेज डालने के लिए न्या वाला वो है, मुझे खुद नहीं पता कहां से इमेज डलता, तो मैं इतना टाइम नहीं, मैंने अभी इनसे ब्रीफिंग लेनी है, अभी मंडे को आएंगे तो ब्रीफिंग लूंगा, कल छुट्टी है। पुराने वाले में तो बड़ी आसानी से हो जाता था। क्लासिक पे स्विच कर दूं फिर? ठहरो एक सेकंड यार, जहां पे इतना कुछ कर लिया तो ये भी पंगा करके सीख लेते हैं भाई। हेलो, इंसर्ट, वेयर इज दैट इंसर्ट बार? टूल्स, प्लगइन्स, विजुअल एडिटर, ये तो मेन इमेज है ना जो वीडियो थंबनेल, दैट्स ऑल इररिलेवेंट फॉर नाउ। होल्ड ऑन फॉर सेकेंड, या ओके, आई विल हैव टू स्किप इट फॉर नाउ, आई नीड टू लर्न हाउ टू insert and imagine the blog post in this new editor, visual editor, code editor, code editor में जाके मैंने क्या करना है, वो तो code आ गया ना, blog manager, keywords, give me a second folks, give me a second, let's see what do we have here, copy, insert before, move to, show, yeah, for now I'll skip it. वैसे इमेज डालू तो और इसकी रैंकिंग हाई हो जाएगी, टेरिबल, बट एनीवेज फॉर नाउ आई विल स्किप इट। चलो लो जी, ये हो गया, Amazon Kindle की बात होगी, और आउटबाउंड लिंक इसमें, शेयर योर नॉलेज, मे बी एफिलिएट प्रोग्राम, बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट, फ्रीलांस राइटिंग। ये लो जी, राइटिंग को पकड़ लेते हैं, कंट्रोल सी, वापस आया beingguru.com/writing। ये हैंड राइटिंग नहीं है, नहीं ठहर जा, व्हाट इज कॉपी राइटिंग, इसको कर लेते हैं। कॉपी लिंक, वापस गया, लिंक बनाया, पेस्ट, इसको द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपी राइटिंग। इधर अमित ठहर जा, मुझे दोबारा बताएं, ठहर जा एक सेकंड, मैं आ रहा हूं तेरी तरफ, रुक। द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपी राइटिंग अपडेट, ठीक है जी। योर पैशन फॉर राइटिंग, अच्छा हामिद क्या कह रहा है मुझे, हेल्प इज हियर। प्लगइन्स में जाएं, क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करें, एक्टिव करें। हामिद पे पता नहीं कुछ और ही गड़बड़ ना हो जाए यार, छोड़ रहने दे, चल रहा है चलने दे फिलहाल, वो फादी करेगा बाद में, उससे पूछूंगा, ये तुम लोगों से बाद में पूछूंगा, अभी मुझे करने दो, कोई मसला नहीं, इट्स ओके, इनको पता है मेरे पास सपोर्ट है, इतना इनको पता है, अभी छोड़ो कोई नहीं। अच्छा जी, नाउ एक और अदा बारले वाला लिंक ना दे दू, एक और अदा बारले वाला लिंक, वो फिर दोबारा एसोसिएट प्रोग्राम्स, वर्चुअल असिस्टेंट, फ्रीलांस राइटिंग में भी दे दिया, बिकम मेक मनी, चार्जिंग अ डिजाइन, कहता नहीं होता, हमें मैं मारूंगा अगर लाइफ खराब हुआ, पता पकी बात है, मैं तुझे सच बता रहा हूं, बाजी ने कहीं। अच्छा जी, प्लगइन्स में जाएं, क्लासिक एडिटर, अच्छा वो मेन वाले प्लगइन्स पे जा रहा है, नहीं यार मैं डैशबोर्ड नहीं दिखाना चाह रहा, मैं समझ गया, ठीक है मेन प्लगइन से तू कह रहा है, मैं सिर्फ एडिटर तक लेना चाह रहा हूँ, डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा। ओके, सो 84 हो गया भाई, ग्रीन में मैं फॉल हो गया, और मामला बड़े खुशगवार हो चुके हैं अब तक, एक इमेज नहीं है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Proven ways to make money online, मेरा URL slug बन गया, जो कि main होना चाहिए। और अब आता हूं मैं वापस basic चीजों पे।
एक चीज अब आपने गौर करनी है, यहां पे ये अभी जिसका जिक्र आ रहा था ना, हामिद ने इंस्टॉल किया था, यहां पे वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन। अब चूंकि मेरा ब्लॉग बड़ा है तो एक क्लिक पे 10,000 से ज्यादा लोगों तक मेरी बात जाती है। अभी दिखाता हूं कैसे। हाँ, 10,000 लिखाएगा। फिर जनाब ब्लॉग में थंबनेल होना जरूरी है, ये मैंने थंबनेल बनवा लिया था। इस थंबनेल में भी कुछ चीजों का जेहन में रखना है कि इसका नाम वही होना चाहिए था जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमने वही नाम रखा हुआ है। फिर कैटेगरीज, किस कैटेगरी में आप डालना चाहते हैं। हर ब्लॉग पोस्ट की डिफरेंट कैटेगरी होती है। मैंने कहा ये फ्रीलांसिंग में भी पोस्ट हो जाए, ये मोटिवेशन में भी पोस्ट हो जाए, इंटरनेट भी पोस्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे अब टॉप पे जाता हूं ना, ये है मेरी कैटेगरीज, टैब्स हैं, फ्रीलांसिंग भी है, मोटिवेशन भी है, इंटरनेट भी है, तो यहां पे ये पोस्ट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अपडेट बटन, और उसके बाद ये कहता है पब्लिश इमीडिएटली, विजिबिलिटी पब्लिक, ये सब चीजें ओके है। तो मैं अपडेट करता हूं इसको, ये लो जी। अब ये इसको देख रहा है, सोच रहा है, उसके बाद ये अपडेट कर देगा। ये देखो जी, इसने कहा जी पोस्ट अपडेटेड, और पोस्ट अपडेट होके इंटरनेट पे शेयर हो जाएगी। अभी यहां पे एक पॉपअप निकलेगा, तो लेता है एक मिनट वन सिग्नल का, और उस पॉपअप से वेबसाइट जो है ये इंटरनेट पे पब्लिश हो जाती है। ये एक थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो इट यूजली टेक्स टाइम, लेकिन आ जाता है वो, क्योंकि अपडेट का बटन घूम रहा है, ये घूमेगा और कुछ ना कुछ होगा, तो जब तक वो होगा मैं आपके सामने आ जाता हूं। यार परेशान क्यों होते हैं। क्लिक ऑन ब्लू फॉर पिक्चर पॉट। अच्छा चलो पिक्चर रहने दो यार, कोई मसला नहीं। सोच एक अच्छे आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल रैंक करने के लिए कीवर्ड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब आपने वो कीवर्ड एनालिसिस कर लिया, आर्टिकल का कीवर्ड एनालिसिस कर लिया, तो उस कीवर्ड को अपने आर्टिकल में आप इंक्लूड करोगे। डोंट ओवर स्टफ इट, यूज इट वाइजली, जैसे मैंने किया आपके सामने। मैं अगर थोड़ा आराम से बैठूं, क्योंकि लाइफ का एक प्रेशर होता है ना, लोग भी देख रहे हैं ये वो, तो जो मेन कीवर्ड है उसको ढूंढें, देखें उस पर कंपटीशन कम हो, और बस सुन लिया ना क्लिक ऑन ब्लू फॉर पिक्चर पुट यूजर इन टाइम आउट, बस सुन लिया ना मैंने, एक दफा हो गया, खत्म करो आगे। तो कीवर्ड्स जितने होंगे उनको अगर रैंक कर पाए आप, एन मुमकिन है कि उस कीवर्ड से रिलेटेड और बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक हो जाएं, जो मुश्किल भी हो सकते हैं, डिफिकल्टी जिनकी ग्रीन एरिया से ज्यादा भी हो सकती है। दिस इज हाउ यू रैंक यूर कॉन्टेंट ऑन सर्च इंजन्स। किसी भी कॉन्टेंट को रैंक करने के लिए नंबर वन चीज, एक तो आपकी वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट पे आपका कंटेंट बड़ा मैटर करता है। उसका कंटेंट इतना मैटर करता है कि जितनी लो कंपटीशन कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करेंगे, जितने लो कंपटीशन कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करेंगे, उतना ही वो ज्यादा जल्दी से, ज्यादा तेजी से रैंक हो जाएगा। एड लगाया, कल बताया था ना जी, आप लोग भाग गए थे, कल जाते जाते ही हमने गुड न्यूज दिखाई थी, एड का ऑर्डर आया था विद फोन नंबर, बहुत सारे आए हैं बाय द वे। आप जल्दी भाग जाते हैं ना, आप लोगों को सबर नहीं है। जब वीडियो स्टार्ट करता हूं तो 2000 बंदे होते हैं, जब थक जाते हैं तो भाग जाते हैं। कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ वीकेंड बना रहे हैं, बनाए सर, मेरा काम था सिखाना। तो ये लिंक था जी, और इस लिंक पे क्योंकि मेरी बात निकल जाती है जल्दी जल्दी से, जैसे मैं कीवर्ड मैं असल में वन सिग्नल यूज नहीं करता। वन सिग्नल क्या है, आओ वापस दिखाता हूं, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। ये साइट है वन सिग्नल, मिसाल के तौर पे यार onesignal.com, ये पुश नोटिफिकेशंस है। तो आप अगर इसको अपनी साइट पे इंस्टॉल कर लें, जैसे हमने कल फेसबुक पिक्सल सीखा था, एक कोड मिलता है जो आप अपनी वेबसाइट के हेडर के ऊपर रख लेते हैं। हेडर क्या है, छोड़ दें, आपकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका काम ब्लॉगिंग का है तो डेवलपमेंट किसी और के लिए रखिए, डोंट ट्राई टू बिकम अ सुपरमैन।
पर ये कोड अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो फिर पता क्या होता है इस कोड को इंस्टॉल करने से? फिर इस कोड को इंस्टॉल करने से जब आप पुश नोटिफिकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ब्लॉग एक मिनट में 10,000 लोगों तक पहुंच जाता है। मेरे पास चूंकि ट्रैफिक ज्यादा है तो पहुंच जाता है, पर मैं हर ब्लॉग पोस्ट पे करता भी नहीं। अब ये देखो 16 बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, ओके, इसका लिंक मैं आपको दे देता हूं। लेकिन इसमें एक चीज आपने अभी गौर नहीं की, किसी ने गौर की? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, खुद गौर करें ना, किधर गया है यार आप लोगों का लिंक? गौर करेंगे, कुछ समझ लगी कि क्या हुआ है? हाँ या ना? ये लिंक दिया है मैंने, आपके सामने खोल रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपको सोशल सिग्नल्स पे लेके जाने लगा। 1.6 था, 1.9 हो गया। कुछ गौर किया मेरे अजीज हमवतनों? ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? अभी सर्च इंजन रैंक नहीं हुआ, रिफ्रेश करता हूं, 1.9 है। हाँ अभी भी 1.9 ही है, 5 मिनट बाद देख लेना। तो जितने भी मेरे वन सिग्नल के नोटिफिकेशन है, चूंकि वो 10,000 हैं, ऑटोमेटिकली बात जो है वो बहुत सारे लोगों तक चली जाती है। बट आई डोंट ओवर यूज इट, मैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी पोस्ट पे यूज करता हूं, तो मैं नहीं चाहता मेरी साइट से भाग जाए। अब ये 1.9 यूजर कहां से आया? सवाल ये पैदा होता है कि गूगल ने तो इंडेक्स किया ही नहीं साइट को, ये 1.9 यूजर आया किधरों? सर ये इधरों आया, फेसबुक, कॉपी कर लूं मैं जरा इसको, कंट्रोल सी, यूरल भी वही बना हुआ है, ठीक है जी, कंट्रोल वी, ग्रुप्स, बीइंग गुरु, शेयर। यार ये हर रोज मुझे कोई ना कोई ग्रुप में ऐड कर लेता, अभी मैं निकलता हूं यहां से। ये हो गया जी एक जगह पे। फिर मेरा बीइंग गुरु का जो फेसबुक का पेज है उस पर 6 लाख फॉलोअर्स हैं, इससे भी ज्यादा, तो दूसरा शेयर कर रहा हूं। अब मैं बीइंग गुरु के पेज पे डालूंगा और फिर ट्रैफिक और बढ़ जाएगी। लो जी फिलहाल इसी पे रख देता हूं, इन दो पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। मैं इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर करता रहूंगा। अभी मैंने सिर्फ फेसबुक की 2 साइट्स पे शेयर किया, अब आया ट्विटर, ट्विटर पे शेयर करता हूं। ये विजिट है जो कि फ्री में, अगेन अगर आपको नहीं पता आपकी टेंशन नहीं है यार, ये जो वेब डेवलपर है वो इंस्टॉल कर लेगा। ट्विटर पे भी शेयर हो गया, अब रह गया लिंक्डइन। 20,000 इतने बंदों के साथ आप खेल रहे हैं, पहले प्रेजेंस बिल्ड किया एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, तो उसके बाद एक बात बोलूं, भले आपकी साइट रैंक होती है नहीं होती, भले गूगल पे आपका कंटेंट रैंक होता है नहीं होता, सर सोशल मीडिया से ही आप पैसे कमा सकते हैं थ्रू गूगल एडसेंस। अब अगला पार्ट गूगल एडसेंस है, ये ले जी पोस्ट कर दिया आपकी खातिर, अब बेतहाशा लोगों तक बात आपने पहुंचा दी थ्रू शेयरिंग इट ऑन टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट? मैंने क्या किया, मैंने क्या किया ऐसा जो ये बंद हो गया? और यार आई एम सॉरी। अब ये देखो एनालिटिक्स, 145 बंदा इस वक्त देख रहा है, इस ब्लॉग पोस्ट को 100 बंदा खाली देख रहा है। थोड़ी देर रुको, ये ट्रैफिक 400-500 पे चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी शेयर किया तो बहुत सारी जगह पे जाहिर है शेयर हो जाए। तो गूगल क्या करता है? गूगल कहता है कि इसको सोशल सिग्नल अच्छा मिल गया, इसने ऐसा क्या किया है जिसको लोग देख रहे हैं? कौन है ये जो इसको लोग देख रहे हैं? फिर जब वो आपकी साइट पे बॉट वगैरह देखते हैं, कहते हैं यार इसने तो सारे काम पूरे किए, हैं मार्क्स 88 थे, कितने थे, 87, जो ऑल इन वन एसईओ पैक का
मामला था यार, या लिंक दे दो ना कहीं से भी, देख लो लिंक, जाके बीन गुरु से देख लो, जरूर मैं पेश करूं। ये लो, अब मुझे जरा बोलने दो। गूगल कहता है इसको सोशल सिग्नल भी मिल रहा है, इसने जो कीवर्ड यूज किया हुआ है ये तो रैंक हो सकता है क्योंकि इसकी डिफिकल्टी कम है, इसकी जितनी सख्त है। याद है वो 10 साल का बच्चा, तो 10 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे से लड़ेगा ना, 40 साल के बावे से थोड़ी लड़ेगा। तो यार इसको रैंक कर देते क्योंकि जो कीवर्ड इसने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी तो डिफिकल्टी आटे में नमक के बराबर है, टेंशन ही कोई नहीं, आराम से रैंक हो जाएगा। फिर गूगल कहता है कि रैंक कर दो इसको, पर रैंकिंग एट्रीब्यूट्स में याद रखिएगा दोस्तों, साइट स्पीड, साइट की यूजेबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। रीकैप कर रहा हूं बिफोर गोइंग टू गूगल एडसेंस और पेमेंट पार्टनर प्रोग्राम। पहले पेमेंट पार्टनर प्रोग्राम डिस्कस करेंगे फिर गूगल एडसेंस। तो आपको सबसे पहले ब्लॉगिंग के लिए यह डिटरमिन करना है कि आप रेगुलर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या इवेंट ब्लॉगिंग। मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, पर अगर मैं न्यू ईयर पे लिख रहा होता तो इसका मतलब था इवेंट ब्लॉगिंग, पर इवेंट ब्लॉगिंग उस वक्त नहीं हो सकती क्योंकि गूगल पे रैंक कराना होता है। इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है कुछ 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, तब जाके कहीं रैंक हो तो फायदा होता है। इवेंट ब्लॉगिंग में मकसद होता है बेसिकली सेलिंग करने का, प्रोडक्ट सेलिंग करने का। मैं बींग गुरु के ब्लॉग पे किताबें बेचता हूं, अभी आपके लिए आज नई कहानी है दादा, क्या प्रोग्राम चलाया हुआ है। तो मैं बींग गुरु के ब्लॉग पे किताबें बेचता हूं। किताबें बेचने से मेरी मुराद ये है कि ये गूगल सॉरी अमेजोन का मेरा कल का कमीशन है। अमेजोन को मैं क्या बोलूं, इसने स्लैश कर दिया जो है ना सारा का सारा एफिलिएट कमीशन। तो डेट आपके सामने सिलेक्ट है जी, दिसंबर 30 से लेके दिसंबर 30 आपके सामने सिलेक्ट है। कल के दिन मेरे 6 क्लिक्स हुए थे जो मेरी ब्लॉग पोस्ट थी, उनमें से एक आइटम सेल हो गया था। उस आइटम की प्राइस थी 43.95, मुझे अर्निंग मिली है 1.95। हर रोज ही 1-2 आइटम सेल होते हैं, मैं पूरी रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही है जैसे मैंने आज तक बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई, ये भी नहीं दिखा सकती। अब पैसा खाली गूगल एडसेंस से नहीं आप कमा रहे, आप पैसा एमेजॉन एफिलिएट से भी कमा सकते हैं, आप पैसा स्पॉन्सर पोस्ट से भी कमा सकते हैं। अभी कमाइए बॉस $45 की, अजय उनी दे उनी, ये लें जी। एक तो ये माशाल्लाह वर्कचर्स की इतनी ज्यादा, सो ये लिख लीजिए आपके सामने खोली है, डेट पढ़ लीजिए, इट इज 2 आवर्स अगो और जो क्लाइंट का मैसेज था वो 5 आवर्स अगो। दुनिया का कोई इंसान आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा। वुड यू प्लीज पोस्ट ऑन बींग गुरु फॉर $45 फॉर सूनर पब्लिकेशन। जी नेकी और पूछ पूछ, पर इसको वन सिग्नल से नहीं पब्लिश किया मैंने, मैंने इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं किया था। ये पोस्ट पड़ी हुई है इसकी, ये पोस्ट पड़ी है, क्लिक किया। ऐसी मैं दिन में 1-2 कर ही देता होता हूँ, टका देता होता हूँ। ये पड़ी हुई है 145 व्यूज, हाउ सक्सेसफुल पीपल स्पेंड फ्री टाइम, 4 घंटे पहले डाली थी वो। देखो यार 2.1 हो गई 1.8 से, क्या समझे। तो पैसे आप कैसे कमाते हैं एज अ ब्लॉगर, पैसे आप कमाते हैं थ्रू गूगल एडसेंस, वो क्या बुला है बताता हूं। दूसरा, पैसे आप कैसे कमाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, वो क्या है थोड़ा सा दिखाया अभी बताता हूं। तीसरा, आप स्पॉन्सर पोस्ट से कमाते हैं। बंदा आता है जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको एग्जांपल दी थी कि सबसे आसान तरीका क्या है, भाई आप जाएं किसी ऐसी साइट पे जिसकी इतनी ट्रैफिक है, अगर वो दिन की 10,000-20,000 व्यूज ले रहा है तो बड़ी साइट है ना, आप उसको कहें यार ये मेरा ब्लॉग पोस्ट डाल दे यार। भाई नहीं, कितने पैसे, $50 $40। मैंने वैसे $200 का भी एक स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट भेजा हुआ है टेलीफोन का, आईपी टेलीफोनी। तो वो आईपी टेलीफोनी के जो एड्स थे ना, वो टेक्नोलॉजी बेस के होते हैं, वो एड्स भी बड़े अच्छे लगे थे। तो उस दिन मैंने गूगल एडसेंस से भी, सिर्फ एक दिन का बता थे कोई अराउंड, मैंने 100-120 कमाया था $100 एक दिन का, और उस ब्लॉग पोस्ट से मैंने 200 कमाए थे क्योंकि स्पॉन्सर पोस्ट थी। तो जिस तरह का ब्लॉग होगा, अब जब मनी की आप बात करते हो तो फिर जो एड्स नजर आते हैं गूगल एडसेंस के वो मनी के। अब आप ब्लॉग लिखते हैं माय बेहतरीन विलेज, सर विलेज में आपको कौन सा स्पॉन्सर मिलेगा, वो नॉर्मल एड्स चलेंगे।
तो ये बातें आपको समझनी है कि टॉपिक वो चूज कीजिए अपने ब्लॉग का जिस पे आपको गूगल एडसेंस का एडवर्टाइजर अच्छा मिले, राइट? थैंक यू, ये उठा ले यार, इधर आ जला, इधर आ जला, इधर आ जला, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं, इधर आ जला गंदा बच्चा। अच्छा बस इमरान फंक्शन कर दे सब कुछ। अब सबसे पहली बात, मैंने इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड, अगर मैंने कुछ बेचना है तो वो कैसे बेचना है और उसको ब्लॉग पे कैसे डालना है। यहां पे आए, अमेजोन को खोला, यहां पे आए, प्रोडक्ट लिंकिंग, साइन अप करना है अमेजोन एसोसिएट्स है तो प्रोडक्ट लिंक्स पे क्लिक किया। प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद मुझे पासवर्ड खुद नहीं, और हर दफा चेंज हो जाता है यार। पता नहीं मेरे लैपटॉप पे सेव है, इधर नहीं सेव। बहरहाल ये पार्ट तुम्हारा स्किप हो गया, याशी करो, यही चाहते थे ना तुम लोग। दूसरा पार्ट पे ले जाता हूं। तो वो प्रोडक्ट्स आप लिंक कर रहे होते, नहीं दूसरे पार्ट पे भी लेके जाता हूँ। ठहर चाहिए इतनी जल्दी आपको गूगल beanguru.com/books आई वॉन्ट टू शो यू कैसे मैं उसको बेच रहा होता हूँ। 7 रीड बुक्स फॉर अटेनिंग सक्सेस, तो कल रात को परचेज हुई है वो भी यही हुई थी, 6 की 6। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, मैं जूम आउट करूंगा क्योंकि यार बहुत जूम इन मुश्किल हो जाता है, मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है। अब ये बुक्स हैं, अब इधर ना मैंने ये जो नीला है आपको पता है ये सारे लिंक्स हैं, ये मैंने गेट लिंक किया अपने अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम में, क्लिक किया तो ये लोग पूरा का पूरा लिंक चला गया अमेजोन की वेबसाइट पे। अब अमेजोन जाने, अमेजोन की शिपिंग जाने, अमेजोन की पैकेजिंग जाने, अमेजोन की रिफंड पॉलिसी जाने, कुकड़ ने एक दफा पैसे दिए जी मेरे पास पैसे आ गए, बात खत्म। आते आटे में नमक के बराबर है क्योंकि पैसे अब स्लैश कर दिए कमीशन अमेज़न ने। इसी तरीके से स्क्रीन शेयर, हाँ शेयर, इसी तरीके से ये 7 की 7 बुक्स हैं। अल्केमिस्ट भी मैं बेच रहा हूँ, मैं 48 लॉज ऑफ पावर भी बेच रहा हूँ, जॉन मैक्सवेल की किताब है ये, मैंने वैसे सोचा था एक जमाने में पढ़ूंगा। अच्छा जी, मजे की बात, मैंने इनमें से अल्केमिस्ट भी नहीं पढ़ी अभी तक। नेपोलियन की थिंक एंड ग्रो रिच मेरी स्क्रीन पर पड़ी हुई, आपको पता है कल भी दिखाई थी आपको, अभी जब वापस आता हूँ स्क्रीन पर फिर दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पढ़ी हुई है, वरना इसके अलावा मैंने कोई भी नहीं पढ़ी हुई। और जो भी क्लिक करता जाएगा, अब मैं एक सेकंड के लिए इमेजिन करें इवेंट ब्लॉगिंग हो रही है क्रिकेट की, जो एग्जांपल जहां से स्टार्ट की थी, तो आप बैट बेचें भाई, तस्वीर लगाएं इधर, बैट बेचें। मैंने तस्वीरें लगाई भी होंगी कहीं ना कहीं, मैं रिच डैट पुअर डैट पे beanguru.com रिच डैट पुअर डैट, आई थिंक इट्स ऑन रिच डैट पुअर डैट बट आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी समरी। I think that is where I had this image. नहीं, मैं किसी और में लगाया था, भूल गया। You can buy it direct from Amazon. ये यहाँ पे ये लिंक है। तो बहुत सारी मैंने किताबें बेची हैं। एक फिगर बता देता हूँ, सारे रिच डैड पुअर डैड की एक फिगर बता देता हूँ। सर मैंने रिच डैड पुअर डैड 2020 में कोई 400 से ज्यादा सोल्ड की होंगी। प्राइस खुद ढूंढ लीजिए और आप जाने और आपका हिसाब जाने, 400 से ज्यादा तो बेची होंगी। रिच डैड पुअर डैड, हिट रिफ्रेश, रिच डैड पुअर डैड और मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये मैंने सबसे ज्यादा बेची क्योंकि इन पे मैंने एक एक लेक्चर लिखा था ना। मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिखा था, वापस स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। मॉन्क हु सोल्ड, अब आपको ये सब इसलिए दिखा रहा हूं कि अमेजोन को इग्नोर ना करो यार, अच्छी चीज है। अब इस पे पूरा मैंने टॉपिक लिखा है, मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, जो कल परचेज हुई है वो तो है 48 लॉज ऑफ पावर, मैंने अभी आपको जैसे बताया ना। तो ये मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये भी वही अमेजोन पे भेजी हुई है, कहीं ना कहीं मैंने भेजी होगी, ये रही बाय दिस बुक फ्रॉम अमेजोन, क्लिक किया अगले ने वो गया अमेजोन पे, और बाकी अमेजोन जाने मुझे मेरा 1% दे या जो भी है किताब का। सो दिस इज व्हाट
Amazon affiliate is event blogging या वैसे blogging में जरूर use करें, आप इससे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका जनाब पैसे कमाने का, मैंने आपको बताया sponsor post, कि आप किसी के बिहाफ पे पूरी पोस्ट लिख रहे हैं। उसमें नुकसान ये है कि आपकी साइट की SEO कदरे मुतासिर होती है, क्योंकि वो क्लाइंट जब आपको पैसे दे रहा है $40-50 पर ब्लॉग पोस्ट, तो वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको एक डू फॉलो लिंक देंगे। अब डू फॉलो लिंक SEO में मैंने बड़ा तफसीलन बताया है प्लेलिस्ट ब्लॉगिंग के अंदर, मेरे चैनल पे यूट्यूब पे ब्लॉगिंग के प्लेलिस्ट में डू फॉलो बड़ा तफसीलन है, वो यहाँ पे टाइम नहीं जाया कर सकते हम, पर कोई मुश्किल साइंस नहीं है। उसका मतलब ये है कि सर्च इंजन को बता रहे हैं आप कि मैं इसको लिंक दे रहा हूं वसूक के साथ, विद नो फॉलो मैं लिंक दे रहा हूं पर वसूक नहीं, आई एम नॉट श्योर, बस इस तरह समझ लो। हालांकि मतलब इसका ये नहीं है, पर समझ लो कि डू फॉलो का मतलब है यार ये बहुत अच्छा आदमी है, गुड बॉय द लालटेन है, इसको फॉलो कर दू। अब रह गया जी आखिरी पार्ट इसका, बींग गुरु एडसेंस। जी आपको ये लिंक भी दे देते हैं, वैसे जितना आपने शोर मचाया हुआ एडसेंस प्रूफ करना बता दें, बताता हूं, पर मैंने इसको बड़ा तफसीलन डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ था, अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते तो अब तक आपको इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़नी थी भैया। ये लिंक है भाई, खोलो इस लिंक को, खोलो, मैं नहीं खोलूंगा, खुद खोलो। अमर मुझे कुछ नहीं समझ लग रही हिंदी में दोस्त क्या लिख रहे हो, बस इतना पता तीर कमान है, तो जो भी लिख रहे हो उर्दू में लिखो या इंग्लिश में लिखो ताकि समझ लगे, हिंदी नहीं हमें आती भैया। गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे होता है, किस वेबसाइट पे होता है, क्या क्राइटेरिया है, अब गौर से नोट्स बना लीजिए। आप 2 घंटे प्लस पे आ गए और आपका न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, साढ़े तो न्यू ईयर इतने ही इकट्ठे ही बनाएंगे अगर रुको तो, पर नहीं तो गूगल एडसेंस तो समझो ना सर। गूगल एडसेंस .com.net.pk पे अप्रूव होता है, गूगल एडसेंस फ्री वेबसाइट फ्री होस्टिंग पे अप्रूव नहीं होता। लिंक मैंने आपको दे दिया, अब आपने लिंक पे क्लिक करना है तो आपको सीखने को मिलेगा कि गूगल एडसेंस कैसे अप्रूव होता है। लिंक को आप क्लिक कर लीजिए और खोलिए और पढ़िए, इतना कुछ लिखा आपके लिए। Before I explain Google AdSense, once I explain Google AdSense, I want you to write one article, how to make money blogging and how to prove Google AdSense. एक article बनेगा, मैंने आपको description में 2 लिंक दिए हैं। मैंने इतनी premium knowledge आपके साथ share की है, आप अपने आप पे थोड़ा एहसान करें कि ये 2-3 हजार keywords का आप एक article लिखिए अपने blogger.com पे, जिसपे आप पिछले 3 दिन का article लिख रहे हैं। फ्रीलांसिंग का आर्टिकल आप लिख चुके हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल लिख चुके हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का आर्टिकल लिख चुके हैं। इन तीनों आर्टिकल्स को लिखने के बाद मुझे आपसे इस आज के दिन पे जो आर्टिकल लिखवाना है वो कंबाइंड है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। 1, हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड, एंड 2 इज द मेन टॉपिक कि जनाब कैसे आप ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हैं। प्लेजरिज्म याद रखें, अगर आप किसी का कॉन्टेंट उठा के पेश कर रहे हैं तो गूगल उसको प्लेजराइज कॉन्टेंट कहता है। प्लेजरिज्म का मतलब है कॉपी पेस्ट, छापा, रिपिंग ऑफ समवंस हार्ड वर्क, और गूगल इसको पसंद नहीं करता। ठीक है जी, आप बिल्कुल अमेजोन की प्रोडक्ट के लिए आर्टिकल लिखे ना, उस प्रोडक्ट की हाइलाइट्स दें, उस प्रोडक्ट के बारे में तफसील से बताएं और फिर लिंक दे दें। मैंने भी तो किताब में आपको यही तो करके दिखाया, मैंने पूरी किताब लिखी है, तो वो अमेज़न की ही प्रोडक्ट, रिच डैड पुअर डैड, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, 48 लॉज ऑफ पावर, बस दैट्स इट। उसको पूरा तफसील से लिखा, मैंने समराइज का वर्जन दिया, बीच में का किताब खरीद लो, रोज लोग खरीदें, आपको कल की तारीख का दिखाया तो है। अभी तक कोई चीज ऐसी है जो मैंने ना की और आपको ना सिखाई हो? मैंने फ्रीलांसिंग की तब सिखाई, डीएम एसईओ की तब सिखाई, बाकी ब्लॉग लिंकिंग की तब सिखाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक पहले खुद का खड़ा किया, सोशल मीडिया प्रेजेंस खुद की खड़ी की तब दिखाई, बींग गुरु ब्लॉग आज आपको दिखा दिया, इतना बड़ा ब्लॉग है जिसकी सब कुछ जो है आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रही है।
कल यूट्यूब पे तो कह रहा आपको, यूट्यूब पे मैं क्या बताऊं, तो कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई जिसका मुझे ना पता हो। अमेजोन मैं छुपा के रखता हूँ इसलिए कि मतलब ठीक है क्या, मैं अभी अमेजोन का ब्रैक करूँ, इतनी कौन सी कोई इसमें एक्स्ट्रा मैंने कोई कार्रवाई की हुई। नो फॉर यू टू प्रूव योर गूगल एडसेंस यू नीड टू हैव अ .com .net .pk .in और व्हाटएवर इट इज फॉर यू टू हैव गूगल एडसेंस। गौर से लिखो लिखो, मैं चाहता हूँ इसके नोट्स हों ताकि मैं जब लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर आज वो भी शेयर करके बता देता हूँ। हाँ ब्लॉग स्पॉट से भी अप्रूव होता है मुझे पता है, लेकिन ब्लॉग स्पॉट लॉन्ग टर्म नहीं है काम, याद रखिएगा। अपनी वेबसाइट मैं आपको क्यों बताऊं, मैंने शुरू में सब डिटेल से बताया व्हाई योर ओन वेबसाइट ओवर ब्लॉगर, जाके शुरू से देखिएगा आप दोस्त। आपकी वेबसाइट पे कुछ चीजें होनी चाहिए। नंबर वन अबाउट अस का पेज, नंबर टू ये लो जी लाइट, अबाउट अस के पेज के बाद नंबर टू जो आपके पास होना चाहिए वो है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, साइट मैप डॉट एग्जामल, कॉन्टैक्ट अस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसके आर्टिकल में ये लिखा है क्योंकि मैंने खुद लिखा है, मुझे पता। आपकी वेबसाइट .com वगैरह पे होनी चाहिए, यानी डायरेक्ट डोमेन, फ्री होस्टिंग पे नहीं होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट पेड होस्टिंग पे होगी, अच्छा और तेज होस्ट। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी मोबाइल वर्जन्स पे भी तेजी से लोड हो। आपकी वेबसाइट पे अबाउट अस का पेज होना चाहिए जिसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाए। आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। आपकी वेबसाइट पे XML होना चाहिए, साइट मैप डॉट XML। ये गूगल को पता लगता है कि आपकी साइट पे कौन कौन से पेजेस हैं, इनसाइट साइट मैप डॉट XML। अभी आप लिख लें, गूगल करेंगे आपको समझ लग जाएगी। और आखिरी बात, आपकी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होना चाहिए। आप इन सब चीजों को नहीं जानते तभी मैं बार बार बोल रहा हूं, workchest.com पे जाएं, पाकिस्तानी साइट है, इसको बिल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स डालें, आप भी डालें ताकि और लोग इनकरेज हो। आप ही में से वेब डेवलपर भी होंगे, अभी बात करें मुक जाएगी सारी बात, मैंने वीडियो एंड करूंगा तो ये लाइव चैट गायब हो जाएगी। पर workchest पे जब आप प्रोजेक्ट रख रहे हैं और लोग बिड करें, वो सारी उम्र उधर रहना है जब तक आपको अवार्ड नहीं होता। दिस इज व्हाई आई एम सो पुशी अबाउट मेकिंग इट सक्सेसफुल। .biz विल वर्क टू, डोंट वरी अबाउट इट। अब एडसेंस में जब आपने ये सारी चीजें देख ली कि आपने अपनी वेबसाइट पर रखी हुई है, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप कम अज कम 20 आर्टिकल रखें अपनी साइट पे। मैंने बींगुरु पे जब अप्लाई किया था तो मेरी वेबसाइट पे 23 आर्टिकल्स थे, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल। एड्रेस तल्ख हकीकत, पाकिस्तान का थोड़ा लेट अप्रूव होता है, अमेरिका का दो दिन में हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा है जो बाहर बैठा हुआ है वो अप्रूव कर दे, उसके बाद पेमेंट मेथड आप पाकिस्तान का दे दो, फर्क नहीं पड़ता, बेशक एडसेंस अमेरिका की अप्रूव हुई हो। एडसेंस खरीदना नहीं किसी से, आपको ग्रुप्स में नजर आता होगा आई एम सेलिंग एन ओल्ड एडसेंस अकाउंट, ना खरीदना। वो इसलिए कि उन पे इतनी वार्निंग्स आई हुई होती हैं कि बंदा कहता है यार भागते चोर की लंगोटी से ही जाते जाते मैं इसको बेच भी दूं। आपने एक गलती करें जो कि आप करेंगे, आप किसी का इमेज यूज करेंगे, आप किसी का आर्टिकल यूज करेंगे, आप किसी की वीडियो यूज करेंगे, आपको स्ट्राइक आएगी और उसके बाद आप ये ठीक है जी। तो गूगल एडसेंस इन सब एट्रीब्यूट्स पर डिपेंडेंट है, योर अबाउट अस, योर प्राइवेसी पॉलिसी, योर साइट मैप, योर टर्म्स एंड कंडीशन, योर कॉन्टेक्ट अस, राइट। साइट मैप एग्जाम्पल है, वो दुनिया को नहीं नजर आता, इंसान को नहीं नजर आता, गूगल के लिए। गूगल अगेन वेब डेवलपर वुड अंडरस्टैंड दिस, आपके लिए समझना जरूरी नहीं है। आपके लिए समझना यह जरूरी है कि अगर आप ब्लॉग खड़ा करते हैं तो आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है, .com, .net, .biz, .pk, whatever it is,
पर होस्टिंग अकाउंट अच्छा लीजिएगा, जिस पर मैंने बड़ी तफसील से बात की थी। प्रोपेलर एड्स भी सही है, लगा लो, क्या मसला, कुछ भी लगा लो, एड्स एड्स। यार ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको एड्स देती हैं। प्रोपेलर एड्स तो चलो ठीक है, पर खाली गूगल एडसेंस नहीं आपको पैसे देता कंटेंट व्यू करने के। होता कैसे है, आप आए मेरी साइट पे, एड आपको एक नजर आ गया, 1000 लोगों ने जब मेरा एड देखा तो उसके एक सर्टन पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान के पैसे कम हैं, यूरोप की साइट्स के पैसे कम है। मेरा एक दोस्त है, मेरा पार्टनर है, कोस्टा रिका एक मुल्क है और उसकी न्यूज की साइट है। अब कोस्टा रिका में वो मेरे से 1/3 ट्रैफिक लेता है जी, उसकी है कुछ महीने की दिन की 1000-1500, कुछ भी नहीं है उसकी ट्रैफिक, पर वो मेरे से पैसे डबल कमाता है बिकॉज उसकी ट्रैफिक वहां पे बैठी है जहां पे एडवर्टाइजर एडवर्टाइज कर रहा है कोस्टा रिका, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो, ग्रीन एनर्जी की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, हेल्थ एंड वेलनेस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो। जी बिल्कुल, टीस्प्रिंग प्रोडक्ट आप ऐड करें ना, आप जो भी बेच रहे हैं इंटरनेट पे, चाहे ई बुक है, चाहे टीस्प्रिंग है, चाहे अमेजोन का एफिलिएट लिंक है। वो अमेजोन मुझे पासवर्ड नहीं याद, वरना मैं जाके लिंक भी बनाकर दिखा देता, पर खैर इतनी क्या स्पून फीडिंग करनी, साइन अप फॉर अमेजोन और प्रोडक्ट का लिंक है वो अपने ब्लॉग में डाल दो, दिखा तो दिया ना बुक्स वाले में कि ऐसे ब्लॉग लिंक आता है। थोड़े अरसे में जब आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, 20-25 आपने जब आर्टिकल्स लिख लिए, तो आपके घर में एक खत आएगा गूगल का, उस खत को खोलेंगे और उसके बाद दैट्स इट। यार वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप सारे परेशान हैं, बजट बन जाती है बिगनर के लिए 10-15 हजार में बन जाएगी, इतना तो एक दफा खर्च करो, सारी उम्र कमाना है तुम लोगों ने हजारों लाखों में, लेकिन खर्च करना नहीं है तो ये खर्च करना पड़ेगा। अच्छी वेबसाइट्स तो बहुत बड़ी प्राइस पे जाती है, लेकिन बिगनर बनाने वाला भी, बिगनर एक्वायर करने वाला भी बिगनर 10-15 हजार में हो जाना चाहिए। वहां पे वो पीके सीरीज कह रहा है मैं फ्री में बना के दूंगा, तो उसको हायर कर लो या जैसे बेहतर समझते हो, पर वेबसाइट बनवा लो। अब मुझे आपको बताना है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया हूं, जो मैंने कहा था कि मैं एक आखिरी चीज बताऊंगा आपको, दैट्स रिलेटेड टू, आई थिंक कमेंटिंग मुझे बुला देते हो तुम लोग, मैं ब्लॉकड हो गया। दो मिनट दो, दो जी, दो डेवलपर सारे आ गए जी, आ जाओ दो, एक दूसरे के साथ कारोबार करो, जो करना करो, आप लोगों का फायदा हो जाए। मुझे आपको क्या बताना था, एक आखिरी चीज जो शायद आपके भले में आ जाए, सोशल मीडिया वी हैव डिस्कस्ड, गूगल एडसेंस वी हैव डिस्कस्ड, अमेज़न एफिलिएट वी हैव डिस्कस्ड, I have no idea. Plagiarism tool, या plagiarism tool में क्या मुश्किल बात है? ये जो किसी भी साइट का plagiarism आपने चेक करना है, मिसाल के तौर पे ये आ गया, शेयर हो गया, चेक वेबसाइट plagiarism। एक साइट है SEO वाली, Grammarly को छोड़ना, SEO small SEO tools। तो मेरी टीम तो इसी से चेक करती है कि कॉपी करो पेस्ट करो तो plagiarism का पता लग जाएगा, इधर कॉपी पेस्ट करो, साल के तौर पे करके दिखा दूंगी, ये भी करके दिखा देता हूं, ये कॉपी किया एक टेक्स्ट, इधर खाने में पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद वो आई एम नॉट अ रिपोर्ट एंड चेक प्लेजरिज्म, ये एड ये 1000 दफा देखेगा तो पैसे कमाएगा, क्लिक पे पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा अच्छे एडसेंस से। वो कह रहा है बी पेशेंट, वो कहता है प्लेजराइज्ड है, सबका सब प्लेजराइज है। अब कंपेयर, जब मैं कंपेयर पे जाऊंगा तो वो गूगल पे ढूंढेगा किस किस ने लिखा हुआ है। वो कहता है फेसबुक पे पढ़ा हुआ है श्याम सर, वो कहता है बींगुरु पे पढ़ा है, वो कहता है पिंटरेस्ट पे पढ़ा है, तीनों में ही हूं। और लाइन जो है, एडसेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, ये भी किसी ने लिखी हुई, ठीक है यार। तो बीइंग गुरु की ये खसूसियात, ये जो है जी प्लेजरिज्म
चेक करने का तरीका। लो जी 500 में बना दो साइट, तुसी सारे खुश रहो, मेरी ख्याल है जी। जी बिल्कुल बना सकते हैं वर्कशॉप जैसी साइट। सो ब्लॉगिंग में इवेंट ब्लॉगिंग, उसमें प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। रेगुलर ब्लॉगिंग, यू आर ड्राइविंग अ नैरेटिव, इट कुड बी। अच्छा या, अब याद आ गया, रेगुलर ब्लॉगिंग में यार जो टॉपिक चूज करोगे वो माइक्रो नीश को सिलेक्ट करना, मैक्रो को ना सिलेक्ट करना। माइक्रो से मेरी मुराद ये है कि अगर क्रिकेट का ब्लॉग लिख रहे हो, इवेंट की बात नहीं कर रहा, रेगुलर ब्लॉग की बात करो, तो खाली एक चीज पे फोकस करो। प्लेयर्स के बारे में लिखो, बैटिंग टेक्निक्स के बारे में लिखो, बॉलिंग के बारे में लिखो, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉल। जब आप सब कुछ लिखते हो ना, तो आप वो गलती करोगे जो मैंने पहले 3 साल की थी बीइंग गुरु। आई वॉज राइटिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, आई वॉज राइटिंग अबाउट मोटिवेशन, मनी एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट देयर एंड आई एम स्टिल नॉट देयर। मेरे नजदीक अच्छा ब्लॉग तो ये होता है जी जिसकी रियल टाइम ट्रैफिक होती है 10,000, 5,000। हमारा तो 1,000 जिस दिन टप जाए तो उस दिन हमारी ईद होती है। दिन में एक दफा ही टपता है बस, इससे ज्यादा नहीं टपता, वो भी रात को ही। तो वो ये कि अच्छे ब्लॉग की रियल टाइम ट्रैफिक जब मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को कि यार तुम दिखाओ तुम्हारी क्या ट्रैफिक। जैसे ब्लॉगिंग की दुनिया में तनवीर नाडला इज माय वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम मुल्तान। यार उसकी वो मैंने एक दो दफा देखी, एनालिटिक्स ठीक ठाक थी। फिर मैंने प्रो पाकिस्तानी की देखी रियल टाइम, फिर मैंने देखी यार siyasat.pk की रियल टाइम, अदील ने मुझे दिखाई थी, उसके ओनर ने। वुड यू बिलीव siyasat.pk जब मैंने उस वक्त देखी थी 76,000 समथिंग थी। सोचो siyasat.pk एक दिन का कितना कमाता होगा, जस्ट इमेजिन कमाता कितना होगा। रहता दुबई में है वो लड़का, पुराने वक्तों में उसको काफी तंग किया पॉलिटिशियंस ने तो भाग गया। सो गूगल एडसेंस, you sleep, you work out, you drive, you do not have to sit on your desk 24/7 and you're still making money. Yeah, plagiarism hone nahi chahiye na, kya zarurat hai plagiarism hone ki, usko apne alfaz mein shahzade likh de, koi masla nahi hai. Hamid Bean Guru ki theme kaun si hai bata do, agar baithe ho ya Fat tum baithe ho to tum bata do. Mujhe nahi pata yaar, main सेठ मुझे इन चीजों का क्या पता। मुझे मतलब है लिखने लिखाने काम करने से, ये वेबसाइट बनाने से मेरा थोड़ी मतलब है। मैं लॉन मस्क जिसको रॉकेट चलाना है उसको ये थोड़ी पता है रॉकेट कैसे बना। ये छोटी छोटी चीजें मुझे नहीं पता होती। अब तो बल्कि 1.5 साल हो गया तो मैंने फोटोशॉप नहीं खोला, इतना टाइम नहीं मिलता। अगर हामिद बैठा है, मेरी तो ब्लॉग यहाँ पे कमेंटिंग ही ब्लॉक हो गई है। हामिद आप बैठे हो कि चले गए हो? YouTube की ब्लॉगिंग को कमेंटिंग को तो पढ़ना माशाल्लाह एक मरहला है, तो पूरा पानी पानी हो रहा है इधर तो मेरे पास ना, पता नहीं बैठे भी होंगे तो नहीं नजर आएंगे। हामिद स्काइप पे मुझे मैसेज कर दो। हमारी थीम कौन सी है? I don't think he is here. अच्छा फाद ने बता दिया, बिम्बर जी, BIMBER जी, बिम्बर, BIMBER, बिम्बर थीम है जी। ठीक है जी, BIMBER, वो स्काइप पे फाद ने मुझे बता दिया। सो आपने कुछ भी करना है, जैसे भी करना है, यू प्रॉब्ली नो इट बेटर बट गेट इट डन। ब्लॉगिंग हर एक को करनी चाहिए, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है। ब्लॉगिंग से आपको रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पे गूगल एडसेंस और भी बहुत सारे पार्टनर प्रोग्राम्स हैं। फिर आप स्पॉन्सर पोस्ट कर सकते हो, फिर आप अपने ब्लॉग को जब सोशल मीडिया पे शेयर करो तो उस पर भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉग जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था वो था जी जैक मा रिस्पॉन्स, ये हुआ था जी। आई थिंक इट वॉज जैक मा रिस्पॉन्स टू डोनाल्ड ट्रंप एंड देयर वॉज चेंज ऑफ फ्रेंड्स। ये तो खैर चेंज ऑफ फ्रेंड्स, एडसेंस पे अपने एड पे क्लिक नहीं करना, बैन हो जाओगे। ये दोनों एक ही हैं यार, 222 दोनों एक जैसे ही हैं। सो मेरा जैक मा रिस्पॉन्स टू डोनाल्ड ट्रंप 220.7K, 2,20,000।
फिर जनाब ये चेंज योर फ्रेंड्स 2,22,000, ये दोनों मेरे सबसे बड़े ब्लॉग हैं जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सरफेस हुए। ये 2019 की बात हो रही है बाय द वे, तो ये ठीक ठाक मेरे चले। ये 2017 में लिखा था, इसमें वीडियो थी जैक की और डोनाल्ड ट्रंप की। सो एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर आई शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया, इट लिटरली ब्रेक्स द इंटरनेट। सो आई एम गोना गिव इट अ ट्राई राइट नाउ to see how it goes. Once again, sharing it on Being Guru, which I actually love doing. जब थोड़ी ट्रैफिक चाहिए होती है तो Being Guru जिंदाबाद ऐसे काम के लिए जी। तो ब्लॉगिंग करें सर, अब रहेगी बात उर्दू ब्लॉगिंग की और एड्स की। उर्दू ब्लॉग्स जो हैं वो एडसेंस अप्रूव कर जाते हैं, चाहे .com पे है, चाहे .com.pk पे है या कुछ भी है। सेम गोज फॉर हिंदी, बंगाली, अफगानी, कुछ भी है। पर मसला ये होता है इन उर्दू और बाकी ब्लॉग्स में कि यार इनका एडवर्टाइजर अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि आप लिख रहे हैं उर्दू में, अच्छा कीवर्ड यूज हो जाए ना तो उस पर कीवर्ड। मेरा एक दोस्त है जो हम सब पे लिखता है, तो वो ये कहता था कि यार मैं फिर कीवर्ड यूज करता हूँ व्हाट्सएप इंग्लिश में लिख देता हूँ, अमेजोन इंग्लिश में लिख देता हूँ, बिल गेट्स इंग्लिश में ले देता हूँ, ठीक है जी। तो इससे ये होता है कि गूगल को पता लग जाता है हाँ उर्दू में तो लिखा है। गूगल का इंडेक्स तो होना कोई नहीं। एक वक्त आएगा आने वाले वक्त में जब सर्च इंजन्स, अभी तो खैर सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है ना, स्पेसिफिकली लोकल लैंग्वेजेस के सर्च इंजन होंगे। फिर क्या होता है जो लोकल सर्च इंजन होंगे तो फिर जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो उर्दू में ही पढ़ेगा, उर्दू में ही लिखेगा और उर्दू में ही पैसे कमाएगा, राइट। सो अब भी चूंकि गूगल इंग्लिश है प्रीडोमिनेंटली या उसकी सर्च रिजल्ट, तो वह फिर इंग्लिश का कीवर्ड लिखना पड़ता है ताकि एडवर्टाइजर उस कीवर्ड को देख के अट्रैक्ट हो आपके ब्लॉग पोस्ट पे। और जब वो अट्रैक्ट होगा तो फिर जाहिर है आपकी व्यूअरशिप भी होगी, जब वो व्यूअरशिप होगी तो आप पैसे कमाएंगे। ये थी भैया ब्लॉगिंग, ये था मैं और ये है मेरी चाय। I look forward to your comments and then, you know, we'll probably. इस वीडियो को लाइक करें जी, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें। फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स आसानी से प्रूव नहीं होते और फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स के अंदर अपने ही एड लगाता है, पर वो बाय नो मीन्स कंपेरिजन ऑफ गूगल एडसेंस। सर गूगल एडसेंस इज बाय फार द बेस्ट। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूं कि एडसेंस यूट्यूब पे जो पैसे देता है और वही फेसबुक जो वीडियोज पे पैसे देता है वो 1/10 है जी। सो इट्स नॉट समथिंग यू वुड प्रॉब्ली वॉन्ट टू डू। ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पे, blogger.com पे ना, मैं अभी भी ये गुजारिश करूंगा अपनी वेबसाइट बनाए, सबसे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है। आप किसी को क्या बताएंगे कल मेरा मेरा क्या लिंक है, shamserver.blogspot.com.blogger, तो वो ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी कोई भी नीश हो, आपकी कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, एक्सपर्टीज हो, आप ब्लॉग लिख सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको किताब की बात बताई, आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। आप फैशन की बात पूछ रही हैं, आप लिखें फैशन के बारे में और प्रोडक्ट्स बेचें। अब जरूरी तो नहीं है ना कि खाली एफिलिएट ही प्रोडक्ट बेचनी है। अमीर अदनान है हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, अमीर अदनान की अपनी प्रोडक्ट है, तो अगर वो ब्लॉग लिखना शुरू कर दे फैशन पे, अगर वो ब्लॉग लिखना शुरू कर दे डिजाइन पे और उसके बाद अपने कपड़े बेचे ऑनलाइन, बिक गया जी। होस्ट गेटर पे है बिलाल, बीइंग गुरु होस्ट गेटर पे जी। अच्छा जी क्या करें जी, नहीं यार सबसे अच्छा क्लिक बैंक है यार, वो पाकिस्तान में है नहीं, अमेजोन तो देता ही कुछ नहीं है जी। लव यू दादा, लव यू टू जी। अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात आ गई है, मैंने सिर्फ एक मिनट का ब्रेक लेना था, हेल्थ ब्लॉग भी अच्छा है। चलो अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे,
टॉपिक्स वो चूज करने हैं इंसान को जो सर्च होते हैं। अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहां से मिलते हैं? आखिरी बात है जी, buzzsumo.com, buzzsumo.com, buzzsumo.com। यहां पे आप कोई भी कीवर्ड लेंगे, उससे रिलेटेड आपको आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स या इस वक्त के ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। एक और तरीका भी है, गूगल ट्रेंड्स। राइट, ये भी खोल लेता हूं, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स खुल गया। अब हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है न्यू ईयर। आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं न्यू ईयर पे, इवेंट ब्लॉगिंग की बात हो रही है, तो रेगुलर ब्लॉगिंग भी इसी पे फिट होती है। लेकिन इवेंट ब्लॉगिंग याद रखना 3-4 महीने इन एडवांस होती है। ये देखा है, अक्टूबर को एकदम सर्चेज हाई हो गई, लोग सर्च करने शुरू हो गए। होती क्या है, कंट्री अभी मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया है। तो ये नीचे रिलेटेड क्यूरीज हैं यार। हैप्पी न्यू ईयर 2021 इमेजेस। इमेजिन अगर आपकी एक साइट होती, सोचो जरा 2 मिनट के लिए, आपकी एक साइट होती और आपने इस कीवर्ड को रैंक किया होता 4-5 महीने पहले। उस वक्त तो कंपटीशन ही नहीं था, तो जाहिर इसकी डिफिकल्टी का तो सवाल ही नहीं पता होता। ये तो अभी भी नहीं होगा, इसकी क्या डिफिकल्टी होनी, क्योंकि ये तो ऐसा कीवर्ड है जो अभी सरफेस अप कर गया ना। सर आप सिर्फ गूगल एडसेंस से प्रूव कराते हैं और पैसे कमाते हैं, या फिर आप अमेजोन की प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रहे होते हैं। अब आप कहेंगे जी अमेजोन की न्यू ईयर के प्रोडक्ट्स क्या है, क्या मुश्किल काम है, ये गूगल ट्रेंड्स है। यहाँ वापस मैं अमेजोन पे जाता हूँ, amazon.com पे गया और सर्च करते हैं जी न्यू ईयर गिफ्ट। वो वैसे इधर ही किधरी नजर आ जाएंगे होम पेज पे, डील्स एंड प्रमोशन। मैं तो समय सर्वर इलेक्ट्रॉनिक ही सर्च करता हूँ, इसलिए न्यू ईयर, खाली न्यू ईयर लिखूं तो जी न्यू ईयर की किताबें आ गई हैं अभी। न्यू ईयर गिफ्ट, गिफ्ट लिखूं जी, आ गए जी गिव अवे कार्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ, ये न्यू ईयर गिफ्ट। अब मैं ब्लॉग बनाता, उसमें ये अमेज़न के प्रोडक्ट्स रखता और बेचता। मैंने एक बेचा था इग्लू टेंट, अब टेंट का नाम था क्या था, 2017 की बात है। खैर ना पड़ेगा, इतने आर्टिकल्स हैं, 10,000 आर्टिकल्स हैं। ये रहा, ये रहा, Amazon is now selling a garden dome। ये मैंने एक बेचा था और इसकी प्राइस थी गार्डन डोम इग्लू, ठीक है, गार्डन डोम इग्लू। जो न्यू ईयर के पटाखे बजना शुरू हो गए और मेरा कुत्ता डर गया। ये था ये वाला था, नहीं ये नहीं था, यार पता नहीं वो रिमूव हो गया होगा। तो उसकी प्राइस थी 700 something और उस पर क्या मुझे कमीशन में ठीक ठाक 150-200 मिला था, 700 या 800 था, या पता नहीं 800 था शायद, इतना ही था। पर वो ये कहीं भी लेके जाओ उसको कर लो। तो इसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था ना बीइंग गुरु पे, कि अमेज़न जो है ये एक ऐसा गार्डन बना रहा है जो आप हर जगह लेके जा सकते हैं, ये गार्डन डोम देख लो। अभी देखते हैं जी कितने का है, अभी क्यों मूव हो गया। ये रहा जी गार्डन डोम इग्लू, इसकी प्राइस क्यों नहीं आ रही बाबा। अब डिसकंटिन्यू हो गया, करंटली अनअवेलेबल, वरना ये था ठीक ठाक प्राइस। और मैंने एक बेचा जी, अमेरिका में ही बेचा था। तो अब न्यू ईयर पे अगर आप ये सारी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स की, आप न्यू ईयर पे गिफ्ट कुछ भी रखे हैं, अमेज़न के साथ ब्लॉग बनाते लिखते और याशी करते, पर आप एक नया ब्लॉग बनाना चाहते हो और आप कहते हैं यार इससे रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी है, तो ये गूगल ट्रेंड्स जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल फैशन की किसी ने बात की, यानी किसने की थी, अब मैं फैशन सर्च करता हूँ तो फैशन से रिलेटेड देखो सदाबहार सर्चेज हैं। अभी अमरीका सर्च किया हुआ खाली, तो ये कहता है रिलेटेड क्यूरीज क्या है और रिलेटेड टॉपिक्स क्या है। नेक्स्ट इन फैशन रियलिटी शो, हाई फैशन एक गाना होगा कोई, या व्हाटएवर इट इज, अ
अब फैशन को मैं पाकिस्तान में करूंगा तो कुछ भी नहीं ढूंढेगा। तो हम अपनी बातें करते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग है जी। फ्रीलांसिंग मैंने सर्च की अमेरिका में, अमेरिका में फ्रीलांसिंग सर्च हो रही है और ये कीवर्ड्स हैं जी, प्रोजेक्ट, टॉपिक, राइटर, क्रिएटिविटी, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हर कोई सर्च करता है व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो व्हाट इज फ्रीलांसिंग एक अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक है जो सर्च किया जा रहा है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। आपको पता है हमने क्या कार्रवाई की आज, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब यही चीज मैं जब मुल्क सेलेक्ट करूंगा, पाकिस्तान या हिंदुस्तान, देख रहे हैं ट्रैफिक जाती किधर है, सिर्फ ये देखना इसकी यार, ये इस तरह की हरकत ना कर, पन्ना माने भैया, पाकिस्तान। ये ना करो, अच्छा नाराज हो गया, दोबारा जाऊं गूगल ट्रेंड्स पे, अब जाके सर्च करूं फ्रीलांसिंग। गूगल ट्रेंड्स को लाजमी देखिएगा दोस्तों। मैंने फ्रीलांसिंग सर्च की, कंट्री अभी भी अमेरिका सिलेक्टेड है, तो मैं यहां से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूं। ये नहीं जी, पाकिस्तान सिलेक्ट होगी। तो अब देखो ट्रैफिक भी बढ़ गई है और नो वे, डोंट टेल मी यार। ये मुझे उस दिन MDP साहब ने भी ये बात बोली कि सबसे ज्यादा जो हमें डिमांड आ रही है वो गिलगित बल्तिस्तान से आ रही है और वाकई सर चाहिए। दिस इज अमेजिंग। अगेन वही लेफ्ट साइड पे टॉपिक्स, वर्चुअल असिस्टेंट, यूडेमी, बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट्स, टॉप फ्रीलांसिंग साइट्स, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। अब आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान सर्च करते हैं तो आपको क्या मिलता है, गूगल करते हैं जी हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, जूम आउट करते हैं और ये सारी साइट्स आ रही हैं, टेक जूस, अपवर्क, पार्क लांसर, सिंपल, होमवर्क, वर्कचेस्ट, ट्रू लांसर। तो बहुत सारी ट्रैफिक जो मुझे वर्कचेस्ट पे मिलती है वो सर्च इंजन की वजह से ही मिलती है। फ्रीलांसर फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ्रीलांसर अगर मैं सर्च करूं तो तब भी आपको वर्कचेस्ट मिल जाती है, ये देखें टॉप पे ही है। सो अगेन ट्रेंड्स को फॉलो करें। अब ट्रेंड्स किस तरह के होते हैं वो आपको मैं बस सुमू से समझाता हूँ। तो बस सुमू में क्या होता है, आप बैठे बस सुमू पे, वही अगेन फ्रीलांसिंग मैंने लिखा जी, सर्च किया, ये आखिरी चीज है, इसके बाद आपको समझ लग ही गई कि हुआ क्या है। यू हैव रीच योर लिमिट, कंटिन्यू विद फेसबुक। ठीक है बॉस, अब यहां पे ट्रेंडिंग पे मैंने क्लिक किया जी, कीवर्ड्स भी है पर मैंने ट्रेंडिंग पे क्लिक किया। ये पहले सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं विद देयर लाइक्स, यार ये 16,000 लाइक्स हैं, ये को मैकोनल साहब हैं, ये दुनिया में ये चल रहा है, तो आप ट्रेंडिंग बाय कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ, मैं तो अपने मुल्क की बात करूंगा ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ताकि देखने वालों को समझ लग जाए। तो पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो वो बताता है कि आज पाकिस्तान में ये चल रहा है, फख्र जमान ने लाहौर के अंदर से राह जुदा कर ली, अली वजीर और पता नहीं क्या हुआ, हमारे यहाँ तो सियासत ही चलती है भाई, हम तो बहुत वेले लोग हैं और कोई काम करते कोई नहीं है, और इमरान खान ने 2.5 साल में इतना कर्ज ले लिया जो नवाज शरीफ ने 3 हुकूमतों में लिया था, तो बस इस तरह की बातें चलती है बॉस, हम तो हमारे पढ़े लिखे लोगों से क्या कर ले, हम तो यही काम कर रहे होते हैं। और मनी कीवर्ड, अब आओ जी जरा सर्च करते हैं, आओ जी सर्च बाय कीवर्ड फ्रीलांसिंग। ओके मैं फ्रीलांसिंग सर्च करता हूँ, उसने फ्रीलांसिंग सर्च की और वो कहता है कि ये देखो फाइवर है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है, अपवर्क है, ऑनलाइन है। मैं कहता हूँ कि यार वी सिमिलर कीवर्ड्स बताते हो तुम मुझे, वो कहता है ये कीवर्ड्स हैं फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग जॉब्स, फ्रीलांसिंग मींस और सब कुछ। अब मुझे फ्रीलांसिंग मींस को ढूंढना है, जरा एक सेकंड रुकना, फ्रीलांसिंग मींस क्या होती है जी, मैं भी जरा देखूं फ्रीलांसिंग मींस। तो फ्रीलांसिंग मींस में वो मुझे बताता है कि यार फ्रीलांसिंग मींस में तू किधर रैंक हुआ, मैं पिंकू, मुझे
ठीक ठाक ट्रैफिक आ रही होती है इस कीवर्ड पे, फ्रीलांसिंग मींस पे। अब टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स बस शुरू से ही मैं बंद कर दूं यार सब कुछ, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स, तो मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक्स, बस सुनू भाई टॉपिक्स पे क्लिक करूंगा, ये मुझे सारे टॉपिक्स बता देगा जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। सो दैट्स हाउ यू गेट ऑल द ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अब पता नहीं दिखाता है नहीं दिखाता है, इसकी मर्जी, दिखाई दिया जी। अब देखिए जनाब, यहां पे ये बताता है कि अपग्रेड करो तो मैं बाकी दिखाऊंगा, पर चलो तीन दिखा देता हूं। फ्रीलांसिंग टिप्स एंड हैक्स, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और अच्छा चला है। इनसाइट एंड कंटेंट आइडियाज, जब मैंने यहां पे क्लिक किया तो फ्रीलांसिंग टिप्स एंड हैक्स से रिलेटेड वो मुझे कुछ सवाल दिखाएगा। व्यू क्वेश्चंस पे मैं क्लिक करता हूं। अब ये सारे टॉपिक्स हैं बॉस। आर देयर एनी फ्रीलांसिंग टिप्स एंड हैक्स, कोरा 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 कोरा, किसी साइड ने नहीं लिखा मेजर नेम, बस कोरा पे सवाल पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड। अब मैं व्यू कीवर्ड्स और व्यू कंटेंट भी आपको दिखा देता हूँ। व्यू कंटेंट पे क्लिक किया तो एक ये राइटर है, writerslifeforyou.com पे इन्होंने लिखा है फ्रीलांसिंग हैक्स एंड टिप्स दैट गारंटी सक्सेस। 278 इसकी एंगेजमेंट है, ठीक है भाईजान, खुश रहना, बेहतरीन। यूट्यूब की भी वीडियोज हैं और सब कुछ है जी इसके अंदर। व्यू कीवर्ड्स जी, अब मैं कीवर्ड्स पे आ रहा हूं तो वो कह रहा है नो कीवर्ड्स फाउंड इसके लिए, ना सही। अब फ्रीलांसिंग के बाद मैं जरा एक और अपने लिए ढूंढ रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग, दो मिनट रुकना। जैसे मैं इंटरनेट से सब कुछ सर्च करके ला रहा ना, तो वो कहता है वेब मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये कीवर्ड्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, तुम ना मुझे वो बताओ सवालात इससे रिलेटेड। तो अब ये सवालात ढूंढते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग, डू एनी ऑफ द एजेंसी होल्डर्स होल्ड सेल्स फॉर कस्टमर्स, एंड यू सी यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट टू बेस योर आर्टिकल्स, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ लीड्स लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अगर आप कोर्स बेचने तो बेचें जी, यहाँ पे किसी एक जमाने में अगर मुझे सही याद हो तो यूट्यूब ही नजर आता था, मैं थोड़ा सा अगर देख लूं, मुझे यूट्यूब भी नजर आता था, नॉट श्योर इफ आई सी इट नाउ, लेट्स गो टू द होम पेज एंड फाइंड आउट इफ वी सी डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तो चलो उसने बता दिया हमें, टॉप 10 फाइंड टॉप इन्फ्लुएंसर्स, लेट्स क्लिक ऑन यूट्यूब। अब कहते हैं इसमें फ्रीलांसिंग में सर्च करता हूँ जी, अब देखते हैं क्या सर्च करता है YouTube पे। ये YouTube ही सिलेक्ट किया हुआ लिखनी है, मुझे साइट से दिखा रहा है ये YouTube influencers, मैं गलत टैब पे था, freelancing फिर वापस उठे गए। हाँ सही भाई, तू खुश रहे हमारी खैर है, वाह जी वाह। Upwork freelancer है, Upwork ट्विटर पे भी नजर आ रहा, सर्च फ्रीलांसिंग देखता हूँ सही सर्च करता है कि नहीं। हाँ ट्विटर भी दिखा रहा है, वो यूट्यूब नहीं दिखा रहा सही, लेकिन ट्विटर तो सही दिखा रहा है। अपवर्क फ्रीलांसर, फ्रीलांसर पीपल पर आ रही है, जिनकी साइटें वही, ये बीच में सारा है कोई, ये लिखती हैं जनाब फ्रीलांस यूनियन के बिहाफ पे, इसी तरीके से स्टीव बाजन। अब आप देखो ना ये बस शुरू कितनी इंपॉर्टेंट साइट है। यूट्यूब इज नॉट पार्ट ऑफ योर करंट प्लान बट स्टिल यू कैन गिव इट अ गो, मैंने प्लान लिया ही नहीं है तो करंट का क्या मतलब। कंटेंट पे जाके मैं यूट्यूब शुरू करता हूँ, टॉप परफॉर्मिंग की अब ये यूट्यूब की वीडियोस आ गई जी, टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। शाजी कहते हैं जी फ्रीलांसर और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के कौन सी स्किल सीखना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये आप जाए शाजी से सुने, फिर ये छोटे शाजी हैं जी आपके खादिम दादा, 5 फाइवर डेग्स ये हमारी आई हुई है जी, नीचे ऑफिस बासित है जी, फिर ये भाई साहब हैं FBA वाले, फिर ये हमारे दोस्त हैं जनाब तैमूर परदेसी साहब। तो ये फ्रीलांसिंग होगी जी, सर्च पर कीवर्ड
हमारे मुल्क में ये हो रहा है। फिर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, मुझे ग्लोबल चाहिए। असल में मैं देखना चाह रहा हूँ दुनिया में क्या नजर आता है। हाँ ये ग्लोबल आ गया, ठीक है। तो ये सारे ग्लोबल हैं जी डिजिटल मार्केटिंग में आपको नजर आ रहे हैं, सेठ गोडेन और पता नहीं कौन कौन, ज्यादातर तो इनमें भी मुझे इंडियंस नजर आ रहे हैं। पर ये ट्रेंडिंग के हिसाब से कुछ हिसाब लगाया होगा इसने। अगर मैं कंट्री सिलेक्ट करूं, कंट्री में मैं यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करूं और अब अप्लाई करता हूं, तो अब मुझे अमरीकी नजर आने चाहिए। कहता भाग ना मुफ्ती में, इतना कुछ दिखा रहा हूं, बहुत नहीं फ्री हो ही जा रहा है। खुश के नहीं खुश तमाम इंडियन दोस्तों को, क्योंकि वहां पे हैप्पी न्यू ईयर हो चुका है, तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हमारा हैप्पी न्यू ईयर अभी 20 मिनट बाद है जी, तो जिस जिसका भी नया साल चढ़ गया, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। मजा आया तो लिखना होता है AYE। सर न्यू ईयर पे जल्दी ऑफ कर दें, तुम लोगों ने पार्टी बनानी है। कर देता हूँ बस 5 मिनट और बंद कर देता हूँ, मेरा फेवरेट पार्ट तो आएगा। अच्छा कर देता हूँ बंद। हाँ जी मजा आया, ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग, गूगल एडसेंस, अमेज़न, हाउ टू राइट अ ब्लॉग, कीवर्ड एनालिसिस, बस सुनो। अब मुझे आपके इस पार्ट का इंतजार है, ये मेरा फेवरेट पार्ट आए, ये मेरा फेवरेट पार्ट। आज इसकी वीडियो नहीं कल बनाएंगे, पर हार्ट इमोजीज दो और वीडियो को लाइक करो ताकि गूगल पर रैंक, सॉरी यूट्यूब पर रैंक हो जाए। मेरे साथ सेलिब्रेट करना था न्यू ईयर, चलो यार बस मेरा मकसद था नॉलेज शेयर करना, जितनी मेरे में नॉलेज है मैंने शेयर कर दी। नलायक्स आदमी हूं, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा स्पेन में अभी हो गया न्यू ईयर आप लोगों का, आई एम श्योर वहां पे तो हो गया होगा। तो तमाम जिन ममालिक से आप देख रहे हैं और आपका न्यू ईयर आ चुका है, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आई प्रे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद द होप कि जो भी हम यहाँ पे करते हैं सीखते हैं, एक फैमिली बन गई ना हमारी। हम रोज रात को 9 बजे बैफल जमाते हैं, इतने लोग देखते हैं। आज जरा न्यू ईयर नाइट से कम लोग होंगे, कॉमन सेंस विद द होप एंड प्रेयर्स कि एवरीबॉडी लर्न्स समथिंग आउट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। अपना ख्याल रखिएगा, जाइए न्यू ईयर मनाइए पाकिस्तानियों, याशी करो, पटाखे फाड़ो, जो करना करो, सीखो बस। कल रात को 9 बजे यूट्यूब, कल आपकी यूट्यूब के भी मसाइल हल कर देते हैं इंशाल्लाह। तो मैंने कैसे एक साल भी नहीं एक्चुअली 11 महीने में मैंने कैसे ये 200K सब्सक्राइबर्स लिए। मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, मैंने अभी तक एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की। डजंट मीन कि मैं नहीं करूँगा, शायद करूँ और गालिबन करूँगा 2021 में, क्योंकि फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग की इतनी अच्छी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे लोगों को लेके आना चाहिए, सिखाना चाहिए। गूगल ट्रेंड्स जी, आप जाएं किसी भी मुल्क को सिलेक्ट कर लें, मैं इसमें क्या स्क्रीन शेयर करके बताऊं, आपको पता लग जाए। असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स हैं, मुझे पता है आज सबसे ज्यादा डॉज मारोगे क्योंकि न्यू ईयर की एक्साइटमेंट है आप लोगों को। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपके हार्ट्स और लव का। तो असाइनमेंट आपने अपने अल्फाज में इन दोनों URL से हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग 2021, हाउ टू प्रूव गूगल एडसेंस, ये लिख के अपने ब्लॉग पे डाल देनी है। हम कल देखेंगे कि जो आपने लिखा है उसका क्या करना है, कुछ तो मकसद होगा ना मेरे जेहन में, कुछ तो मैंने सोचा होगा। तो मैं नहीं पढ़ सकता आप लोगों के कमेंट, मैं स्ट्रीम यार्ड पे हैंग हो चुका है और मैं यूट्यूब पे आया हूं तो वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो जो भी सवाल पूछ रहा है वो मेरे जी क्या प्लान्स हैं, मेरे प्लान्स ये हैं कि लोगों में और इल्म बांटना है, B21 में ई कॉमर्स का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का, न्यू स्किल्स का, ओपन सोर्स। मैंने तो सिखाना है और मैं बहुत ज्यादा कुछ सिखाऊंगा बशर्ते जिंदगी। तो जनाब हैप्पी न्यू ईयर फोक्स, आई लव यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एन एक्साइटिंग, हेल्दी, प्रॉस्परस न्यू ईयर। खुदा हाफिज़।